The events, characters and entities depicted in this film are fictional. Any resemblance or similarity to any actual events, entities or persons, whether living or dead, is entirely coincidental. हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी इस पे, मौत, और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा, और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी। सोच अब बस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। लोक कथाओं पर आधारित फिल्में इसलिए पसंद की जाती हैं क्योंकि वे स्थानीय अनुभव को लेकर उसे सार्वभौमिक बनाती हैं। ऋषभ शेट्टी की कंतारा में भूत कोला परंपरा या तुम्बाड़ जो 2018 में आई, उसमें राक्षस भगवान हेस्टर की कहानियों के बारे में थी। दोनों फिल्मों को पूरे भारत के ऑडियंस ने सराहा, जिससे साबित हुआ कि लोकल कहानियों को जब सही तरीके से बताया जाता है तो ग्लोबल वाहवाही मिल सकती है। आदित्य सरपोदार द्वारा निर्देशित और स्त्री और भेड़िया जैसे ही दुनिया पर आधारित मुंजिया कोकर लोक कथा में एक नामचीन बाल दानव राक्षस की कहानी है जो कम दुष्ट अधिक शरारती है। मराठी में मुंजिया एक पारंपरिक समारोह का संदर्भित करता है जो लड़के के युवा फेज की शुरुआत को दिखाता है। इसके बाद सौण मुंजिया होता है जो स्टूडेंट फेज के अंत और विवाहित जीवन की शुरुआत को प्रेजेंट करने वाला बनता है। यदि कोई बच्चा अपने सौण मुंजिया समारोह से पहले मर जाता था तो वह मुंजिया का रूप ले लेता था, एक भूत जो पीपल के पेड़ों और कुओं के पास रहता है। फिल्म का आधार मजबूत है और योगेश चांदीकर और लेखक नरेन भट्ट द्वारा किए गए ठोस शोध पर आधारित है। मुंजिया मूल रूप से एक ऐसे बच्चे का भूत है जो यौवन से पहले और शादी के लिए पागल है। वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इंसानों से मदद मांगता है, एक ऐसा सेटअप जो खूब सारी हंसी की गारंटी देता है। एक ईमानदार अभय वर्मा ने बिट्टू का किरदार निभाया है जो 20 साल के एक सामाजिक रूप से अजीब आदमी है, जिस पर अक्सर सूर्यास्त के बाद ड्रग्स का सेवन करने का संदेह होता है क्योंकि आमतौर पर यही वह समय होता है जब उसे मुंजिया द्वारा प्रेतवाहित किया जाता है। मुंजिया संबद्ध तो अब तक के सबसे कामुक किशोर भूत है। फिल्म में सीजीआई राक्षस लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के आर्क और हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी के एल्ब डॉबी के भी एक संतान की तरह दिखता है। मोना सिंह ने पम्मी का किरदार निभाया जो बिट्टू की सिंगल मदर है और कामकाजी महिला है जो एक सैलून चलाती है। उसकी प्रवृत्ति उसके बेटे के बाहर जाकर दुनिया की खोज करने नहीं देती। मोना सिंह एक बेहतरीन एक्ट्रेस है। फिल्म का एक बड़ा हिस्सा उनके पतले लेकिन टैलेंटेड कंधों पर टिका हुआ है, खास तौर पर कॉमेडी हिस्से जो एक्टर की बुनियाद होते हैं और जो एक्टर का पॉइंट होता है उस चीज को भी काफी अच्छे से साबित करती हैं। उनका पंजाबी अंदाज प्राइम वीडियो के मेड इन हेवन सीजन 2 में मिस बुलबुल की याद दिलाता है। शर्वरी वाघ बिट्टू की गर्लफ्रेंड है जिसकी डेटिंग की हरकतें अक्सर उसकी महत्वाकांक्षाओं के आड़े आती है। तरन सिंह का विशेष उल्लेख करना जरूरी है जो बिट्टू के जिगरी दोस्त की भूमिका निभाते हैं और फिल्म में कॉमेडी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। फिल्म डरावनी नहीं है लेकिन लोटपोट हो जाओगे, ये गारंटी है। जो लोग हॉरर मूवी के दीवाने हैं और कॉन्ज्यूरिंग जैसे फिल्मों की तलाश में मुंजिया देखने जा रहे हैं, उनके लिए 123 मिनट लंबी फिल्म निराशा का विषय हो सकती है। श्रद्धा कपूर की कैमियो भूमिका स्त्री मुंजिया यूनिवर्स के एलिमेंट्स को पूरी तरह आपस में जोड़ती है और एक क्रॉसओवर फिल्म के लिए पर्याप्त जगह
छोड़ती है। हालांकि मुंजिया ने ज्यादातर समय अच्छा काम किया है, लेकिन फिल्म में इस राक्षस को उसके अपने हित के लिए थोड़ा ज्यादा शरारती बना दिया गया है। इसके अलावा किरदारों में गहराई की कमी दिखती है और अक्सर एक ही स्वर में दिखाई देते हैं। कहानी कुछ हिस्सों में कमजोर है और कुछ सीन्स में डायलॉग भी कमजोर लगते हैं। CGI बहुत प्रभावशाली नहीं है और सीमा रेखा पर कार्टून जैसा लगता है। लगभग ऐसा लगता है जैसे निर्देशक बच्चों को लुभाना चाहते हैं। मुझे अपने डरावने सीन्स की भरपाई बहुत ज्यादा हल्के फुल्के पत्तों से और हल्के पल्के पलों से करती है, फिर भी वे अच्छी तरह से काम करती है। लेकिन इससे स्त्री लेवल की उम्मीदें ना करें। उम्मीद है कि भारत का मिडोक सुपरनेचुरल यूनिवर्स MCU लोक कथाओं में निहित ऐसी ही कहानियों के साथ आगे बढ़ेगा। स्त्री के मेकर्स एक नई मूवी लेकर आ रहे हैं जिसका नाम मुंजिया है। बता दें कि मुंजिया इंडियन सिनेमा का पहला CGI किरदार है। बॉलीवुड में जासूसी व सुपर कॉप की फिल्में बनाने वाले दिनेश विजान का हॉरर यूनिवर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है। इससे पहले दिनेश विजान बॉलीवुड की दो हॉरर फिल्में स्त्री और रूही दोनों ही ला चुके हैं। इन दोनों फिल्मों में राजकुमार राव मुख्य भूमिका में नजर आए थे। इसके साथ ही इनके हॉरर यूनिवर्स में भेड़िया की भी एंट्री हो चुकी है। अब इसी लिस्ट में दिनेश विजान की हॉरर यूनिवर्स में एक नए भूत की एंट्री होने जा रही है जिसका नाम है मुंजिया। मुंजिया मूवी हॉरर व कॉमेडी से भरपूर होगी। मूवी का ट्रेलर जब से रिलीज किया गया है, फैंस जानना चाहते हैं कि क्या मूवी की कहानी रियल है। बता दें कि मुंजिया चेतुकवाड़ी नामक एक गांव का एक लड़का था जो कि मुन्नी नाम की एक लड़की के प्यार में पागल था। मुंजिया को करनी थी मुन्नी से शादी, लेकिन उसकी इच्छा पूरी होती उससे पहले ही मुंजिया की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद मुंजिया की अस्थियों को एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया जाता है। जहां पर मुंजिया की अस्थियां गड़ी है उसी पेड़ पर मुंजिया अपने वंशज का इंतजार करता है। बिट्टू का जन्म होता है मुंजिया के वंशज के रूप में, जिसके बाद बिट्टू उसी पेड़ के पास जाता है जहां पर मुंजिया की अस्थियां गड़ी होती हैं, जिसके बाद मुंजिया मुक्त हो जाता है और हर टाइम मुंजिया बिट्टू के ऊपर सवार रहता है। हाँ, ठीक उसी तरह जैसे विक्रम पर बैताल हावी होता है। यही नहीं, मुंजिया सिर्फ बिट्टू को ही नहीं नजर आता, जिसके बाद बिट्टू अपनी दोस्त से कहता है कि क्या तुझे वो दिखाई नहीं देता, शाम के बाद आता है वो। उसका दोस्त पूछता है क्या चाहिए उसे, तब बिट्टू कहता है कि उसे शादी करना है किसी मुन्नी से। तब तक शर्वरी बाग नजर आती है और मुंजिया कहता है मिल गई मुन्नी, जिसके बाद बिट्टू उसी जगह जाने की बात अपनी मामी यानी मोना सिंह से कहते हैं, जहां पर मुंजिया की अस्थियां होती हैं। बिट्टू की मामी उन्हें मना करती है, कहती है कि वहां नहीं जाना है, पता है ना पिछली बार गए थे तो क्या हुआ था। लेकिन इसके बावजूद फिर भी वो उस जगह जाते हैं जहां से शुरू होता है काले जादू के साथ ही साथ मुंजिया के डर का आतंक। मुंजिया की मृत्यु कैसे होती है और क्यों रह जाती है मुंजिया और मुन्नी की प्रेम कहानी अधूरी, ये तो मूवी में पता चल ही जाएगा। मुंजिया मूवी की कहानी का वास्तविक घटना से किसी भी प्रकार का कोई भी रिलेशन नहीं है, ये एक काल्पनिक कहानी है। इस मूवी के मेकर्स ने मूवी की कहानी का संबंध किसी वास्तविक घटना से होने की किसी प्रकार की जानकारी साझा नहीं की है। शर्वरी बाग, अभय वर्मा और मोना सिंह की मूवी मुंजिया जून के पहले हफ्ते यानी 7 जून 2024 को सिनेमाघरों में आएगी और ऑडियंस इस मूवी को लेकर बेसब्री से इंतज़ार भी कर रही है। दर्शकों का उत्साह बना रहे और उसको और भी अपलिफ्ट किया है मेकर्स ने ट्रेलर रिलीज करके। मूवी का ट्रेलर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे अच्छे रिस्पॉन्स भी मिले। ट्रेलर में मुंजिया का कहर देखने को मिला है। मुंजिया के ट्रेलर में चेतुकवाड़ी जगह की कहानी दिखाई गई। ये जगह शापित है और जहाँ पर मुंजिया की अस्थियाँ गड़ी है वो भी शापित है। मुंजिया किसी मुन्नी से शादी करना चाहता है लेकिन शादी से पहले उसकी मौत हो जाती है। वो अपनी एक आखिरी इच्छा पूरा करना चाहता है। मुंजिया की आत्मा आमतौर पर पीपल के पेड़ों पर या किसी कुएं के पास रहती है। ये लोगों को मारती या चोट नहीं पहुंचाती है लेकिन आम तौर पर लोगों को डराती बहुत है। मराठी शब्द 12 पिंपला वर्षा मुंजिया इस धारणा से आया है कि आत्मा इतनी बेचैन होती है कि वो एक पीपल के पेड़ से दूसरे पीपल के पेड़ पर घूमती ही रहती है
और इसका प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो बहुत बेचैन होता है। पीपल के पेड़ अंधेरा होने के बाद बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और मुंजिया के भय से लोग सूर्यास्त के बाद उनके नीचे बैठने से भी कतराने लगे हैं। मूवी में डर के साथ साथ हंसी का भी ज़बरदस्त तड़का देखने को मिलेगा। मूवी में बताया गया है कि मुंजिया सिर्फ और सिर्फ सनसेट के बाद ही आता है। वो अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए शादी करना चाहता है। मूवी में दिखाया जाएगा कि मुंजिया और मुन्नी की अधूरी प्रेम कहानी किस तरह से पूरी होती है। फिल्म का टीजर और पोस्टर पहले ही जारी कर दिया गया है, जिन्हें सोशल मीडिया पर बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। ये मूवी ऑडियंस को फॉर श्योर खौफनाक नज़ारे दिखाएगी और मूवी में हमें ये भी देखने को मिलेगा कैसे मुंजिया यानी एक भूत ऑब्सेसिव लवर बन जाता है। लेकिन क्या आप एक्चुअल मीनिंग जानते हो मुंजिया की? नहीं तो कोई नहीं ब्रो, मैं आपको बताती हूँ। सो बेसिकली मुंजिया डिनोट करता है चार स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। फर्स्ट वन इज़ ब्रह्मचार्य विच मीन्स स्टूडेंट लाइफ, सेकेंड इज गृहस्थ विच मीन्स हाउस होल्डर, थर्ड इज वन प्रस्था विच मीन्स रिटायरमेंट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट संन्यास विच मीन्स रिनंसिएशन। इस मूवी में भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होने वाली है, जो कि ऑडियंस के लिए एक एक्साइटिंग एंड थ्रिलिंग एक्सपीरियंस लेकर आएगी। इस मूवी में हमें देखने को मिलेगा कि कैसे हीरो प्यार में पागल होकर मुन्या बन जाता है। देखो बेसिकली क्या होता है कि मराठी रिचुअल में एक बहुत ही प्यारा सा रिचुअल होता है जिसे थ्रेड सेरेमनी भी कहा जाता है, और इस रिचुअल को लड़कों पर ही यूज़ किया जाता है, जहां उसे जेन्यून पहनाया जाता है और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जब वो ऑफिशियली प्रॉपर तरह से चारों वेद का अध्ययन कर लेता है। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये सेरेमनी तब भी होती है जब लड़के की शादी होने वाली होती है और जब वो अपनी शादी के बंधन में यानी गृहस्थ जीवन में एंटर करने वाला होता है, तो बिफोर मैरिज ये रिचुअल परफॉर्म की जाती है। और इस सेरेमनी में बंदे को कहा जाता है कि आपको शपथ लेनी होगी, और ऐसे करके टोटल 3 कस्में लड़का खाता है। और वो 3 कस्में है कि वो अपने परिवार का ध्यान रखेगा, अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से निभाएगा, और लास्ट की सोसाइटी के नियमों का पालन करेगा। और इस तरह 3 धागा उन्हें 3 कस्मों का पहनाया जाता है, और ये 3 धागा त्रिदेव को डिनोट किया जाता है, यानी कि हमारे ब्रह्मा विष्णु और महेश। इस मूवी मुंजिया में भी हम ये सारे फैक्टर्स देखेंगे और मुंजिया की जर्नी भी देखेंगे। और जब सारी कस्में शपथ और सेरेमनी हो जाती है और अनफॉर्चुनेटली वो लड़के की जान चली जाती है शादी से पहले, तब उसे मुंजिया कहा जाने लगता है। और मुंजिया फिर एक आत्मा, एक भूत के रूप में भटकते रहता है कि जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मुंजिया मूवी में भी एग्जैक्टली यही होने वाला है। मैडॉग फिल्म्स ने 2005 में अदरानिया के बीइंग साइरस के साथ शुरुआत की, और तब से उनकी कई हिट फिल्में हैं जिनमें लव आजकल जो 2009 में आई, कॉकटेल 2012 में आई, गो गोवा गॉन 2013 में रिलीज हुई, बदलापुर जो कि 2015 में आई, हिंदी मीडियम 2017 में, स्त्री 2018, लुका छुपी 2019, बाला 2019, मिमी 2021 में आई और दसवीं भी 2022 में आई। जो बात इन फिल्मों को अलग करती है वो ये है, ये फॉर्मूला बद नहीं है। दिनेश विजान जो कि मुंजिया के कर्ता धरता हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि हमारी रीढ़ लेखन रही है क्योंकि हम एक स्क्रिप्ट पर कम से कम 1.5 साल खर्च करते हैं, और जब यूनिवर्स की बात आती है तो इसमें लगभग 2 साल लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी का उद्देश्य एक निर्देशक को अपना सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए समर्थन देना है, मूवी बनाए और हस्तक्षेप करने के बजाय उनका समर्थन करें। हम लेखक और निर्देशकों से प्रेरित हैं, ज़रूरी नहीं है कि स्टार से प्रेरित हों, चेहरा मिल जाए तो अर्थशास्त्र बेहतर हो जाता है। लेकिन हम उल्टा काम नहीं करते, मुझे नहीं लगता कि हम प्रोजेक्ट निर्माता हैं। कोशिश करें और बस एक बड़े निर्देशक और अभिनेता को एक साथ रखें, वो हम नहीं हैं। दिनेश वेजान ने आगे कहा, हमें ऐसी कहानियाँ बताना पसंद है जिनसे हम जुड़े हुए हैं।
मैडॉक फिल्म्स पूरे भारत के मूवी निर्माताओं को लगातार ब्रेक भी दे रहा है। मेरा सपना एक कंपनी बनाना है, व्यक्तिगत रूप से खुद का नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैडॉक हमारे बीच जीवित रहे, क्योंकि मुझे लगता है कि मैडॉक सभी बाहरी लोगों के लिए एक घर है। विजान ने कहा, हमारे पास पूरे भारत से लोग आते हैं और हर साल हम कुछ निर्देशकों को लॉन्च कर रहे हैं। जिस किसी के पास बताने के लिए कोई पागलपन भरी कहानी हो, वो हमारे पास आता है। और मुंज्या इसी तरह की कहानी, जहाँ प्यार, पागलपन, जुनून, खौफनाक अंदाज, कॉमेडी सब एक ही चीज़ है, यानी प्रॉपर मिक्सचर है। मुंज्या अपनी बातों को और भी क्लियर तरीके से विजान ने बताया, मुंज्या का उदाहरण देते हुए, जो एक भूतिया कहानी है जिसमें रिश्तेदार नवगांतुकों ने अभिनय किया है, जो भारत के कोंकण क्षेत्र की एक रिचुअल पर आधारित है। विजान का कहना है कि मैडॉक तीन मूलभूत सिद्धांतों पर काम करता है। कहानी में कोई संदर्भ बिंदु नहीं होना चाहिए, इसमें व्यावसायिक क्षमता होनी चाहिए और अभिनेताओं को खुद को फिर से खोजना चाहिए, जैसे कॉकटेल में दीपिका पादुकोण और हिंदी मीडियम में इरफान खान। विजान ने कहा, जब ये तीनों एक साथ आते हैं तो वे आपको कुछ यादगार देते हैं जिसे आप आगे ले जा सकते हैं। नई जनरेशन और नए भारत को ऐसी कहानियों की ज़रूरत है जो भारत के भीतर हो। हम जो प्रयास करना चाहते हैं उसका अगला चरण ये है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम अभी भी ऐसी कहानियाँ बनाना चाहते हैं जो शक्तिशाली हो, लेकिन अगर आपको सिनेमाघरों में जाना है तो हमें उन्हें बड़ा बनाने की ज़रूरत होती है। उस दृष्टिकोण का एक हिस्सा मैडॉक की अरेबियन नाइट्स की व्याख्या है, जो वर्तमान में विकास में है। सबसे पहले अली बाबा और 40 चोर होंगे, उसके बाद अलादीन और सिंदबाद होंगे। योजना पहले भारतीय दर्शकों को अट्रैक्ट करने के लिए है और फिर ग्लोबल लेवल पर जाने की। मुंबई स्थित मैडॉक भी फलते फूलते दक्षिण भारतीय उद्योग की ओर देख रहा है। हम न्यू टेक्निक एंड न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू स्ट्रैटेजी और कहानी मूवी को बनाने का कामयाबी प्राप्त करना चाहते हैं। यही हमारा मूल दर्शन और मूल मंत्र भी है। हम क्वालिटी को प्रभावित करने के लिए कोई लापरवाही नहीं बरतेंगे। अब यहाँ दिनेश साहब तो क्वालिटी पर फोकस कर ही रहे हैं और हमें उम्मीद भी है कि ये मुंज्या जो है ना, वो बहुत ही धांसू होने वाली है और इंटरेस्टिंग भी। वैसे भी हॉरर फिल्मों की भी अपनी अलग ऑडियंस होती है। हर साल कई हॉरर फिल्में रिलीज होती हैं, कुछ तो बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करती है। अब देखो ना, 8 मार्च को रिलीज हुई थी मूवी शैतान, लोगों को कितनी पसंद आई, सुपर डुपर हिट हुई ये मूवी। अब इस साल मुंज्या के साथ साथ कुछ और भी हॉरर फिल्में रिलीज होंगी, जिसमें एक से बढ़कर एक डरावनी फिल्में शामिल हैं, जिनमें डर, खून, सस्पेंस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमारी मुंज्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं। आदित्य सरपोतदार के निर्देशन में बनी ये मूवी मुंज्या। इस मूवी का पहला गाना तरस भी लोगों को खूब एंटरटेनिंग लगा। इस गाने में शर्वरी वाघ ने चम कर ठुमके लगाए, फैंस को भी ये गाना बहुत पसंद आया और एक्ट्रेस का डांस तो भाई था ही माशाल्लाह। फिर बारी है कार्तिक आर्यन की मूवी भूल भुलैया 3 की। भूल भुलैया 3 में तृप्ति डिमरी एक अनोखे अवतार में नजर आएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अनीस बज्मी द्वारा निर्देशित मूवी भूल भुलैया 3 में माधुरी दीक्षित, विद्या बालन भी नजर आएंगी। विद्या इस मूवी में एक बार फिर से मौनजुलिका के किरदार से सभी को डराएंगी। इससे पहले आए कार्तिक और कियारा आडवाणी की भूल भुलैया 2 को भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। हालांकि इस मूवी के पहले पार्ट में अक्षय कुमार नजर आए थे, लेकिन दूसरे पार्ट में कार्तिक ने रूबाबा बनकर सभी लोगों का दिल जीत लिया। कार्तिक ने कहीं भी मूवी में अक्षय की कमी नहीं खलने दी। मूवी के डायलॉग्स और गाने खूब हिट रहे थे। अब तक आई मूवी के दोनों पार्ट को ही लोगों ने बहुत ही इन्जॉय किया है। अब मूवी का तीसरा पार्ट इस साल दिवाली पर रिलीज हो सकता है। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की साल 2018 में आई हॉरर मूवी स्त्री का दूसरा पार्ट इस साल अगस्त में रिलीज हो सकता है। फैंस इस हॉरर कॉमेडी मूवी का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मूवी के पहले पार्ट ने भी सिनेमाघरों में रिलीज होते ही ताबड़तोड़ कमाई की थी। मूवी में श्रद्धा, राजकुमार राव का अभिनय दर्शकों को बहुत ही पसंद आया था। और अच्छी बात और इंटरेस्टिंग बात ये है कि स्त्री और स्त्री 2 के कर्ता धर्ता और कोई नहीं, हमारे टैलेंटेड दिनेश विजान ही हैं, जो मुंज्या के भी कर्ता धरता हैं। फिर बारी है वरुण धवन और कृति सानोन की साल 2022 में आई भेड़िया को भी काफ़ी पसंद किया गया था। मूवी की सफलता को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने इसका दूसरा पार्ट भेड़िया 2 बनाने का मन बना लिया था।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मूवी भेड़िया 2 2025 में रिलीज हो सकती है। इस तरह मुंडियावाली जॉनर की कई सारी फिल्में पाइपलाइन में हैं, जो कि ऑडियंस का एंटरटेनमेंट करने के लिए खड़ी है। मुंडिया के जो निर्देशक हैं आदित्य सरपोतदार, उन्होंने इससे पहले यानी मुंडिया से पहले जॉम्बीज पर मराठी मूवी बना रखी है। वैसे भी जब हम हॉरर फिल्मों के बारे में सोचते हैं ना, तो कुछ चंद फिल्मों के नाम तुरंत दिमाग में आ जाते हैं। राज, कृष्णा कॉटेज, भूत, भेड़िया, स्त्री जैसी हॉरर फिल्मों को लोगों ने खूब प्यार दिया था, इसलिए यही कुछ मूवीज़ है जो दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाती है। मुंडिया यानी भूत दरअसल एक मराठी शब्द है और देर रात तक घर से बाहर खेलने वाले बच्चों को डराने के लिए अक्सर माँ उन्हें कहती थी कि अब घर आ जाओ वरना मुंडिया पीछे आ जाएगा। हालांकि अब मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर पर खेलने वाले बच्चों को इस तरह से डराने धमकाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन मुंडिया मतलब एक छोटे बच्चे का भूत। गोवा कोंकण में इस भूत की कई कहानियां और किस्से मशहूर हैं। कहा जाता था कि अगर कोई बच्चा मर जाए तो वो मुंडिया बन जाता है। ये मुंडिया पीपल के पेड़ पर रहता है और क्योंकि उसकी इच्छाएँ अधूरी रह जाती थी, इसलिए वो अपने ही बच्चे की उम्र के लोगों के साथ रहकर उनको शिकार बनाता है। इस मूवी के दौरान जब फिर एक बार मुंडिया का जिक्र हुआ, तब किसी ने बताया कि उस ज़माने में गांव में लाइट्स नहीं होती थी। ऐसे में बच्चों कोई जानवर या सांप आकर ना काटे, उन्हें अंधेरे में कोई चोट ना आए, इसलिए उन्हें भूत, मुंडिया या फिर हडल यानी चुड़ैल का डर दिखाया जाता था, ताकि वो शाम होने से पहले ही घर आ जाए। मुंडिया के टीज़र की शुरुआत में ही जंगल में एक पीपल का पेड़ दिखाया गया। इस पेड़ में मुंडिया बाहर निकलता है और मलाइका अरोरा का गाना मुन्नी बदनाम हुई एंजॉय करने लगता है। मुन्नी का दीवाना मुंडिया वहाँ पहुँच जाता है जहाँ टीवी पर ये गाना स्टार्ट होता है। मुन्नी बदनाम हुई गाना ख़त्म होते ही मुंडिया उस घर में एंट्री करता है और इसके बाद घर में मौजूद लोगों की चीखें सुनाई देती हैं। मूवी मुंडिया की खास बात यह है कि हिंदी फिल्मों के इतिहास में पहली बार एक CGI किरदार मूवी में प्रमुख भूमिका में दिखाई देने वाला है। फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये जानकारी सामने आई है कि इस मूवी में श्रद्धा कपूर और वरुण धवन भी नज़र आ सकते हैं। इस विवाद को और हवा देने का काम शर्वरी ने किया, जिसमें वरुण भी शामिल थे। वरुण ने कैप्शन में लिखा, भेड़िया जानना चाहता है कि मुंडिया की मुन्नी कौन है। इस पोस्ट को शर्वरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया था, जिस पर ये कैप्शन लिखा हुआ था। इस पोस्ट के बाद ऑडियंस के बीच इस बात को लेकर उत्सुकता है कि क्या मूवी मुंडिया में वरुण और श्रद्धा कपूर भी नजर आएंगे। दर्शक इसलिए भी ये अनुमान लगा रहे हैं क्योंकि स्त्री भेड़िया और मुंडिया मैडॉक यूनिवर्स का ही हिस्सा है। मुंडिया के निर्देशक आदित्य सरपोतदार ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा भी था कि हॉरर कॉमेडी की दुनिया की सभी फिल्मों में एक ही मुख्य विषय चलता रहता है, इसलिए मुंडिया में भी कुछ समानताएं हो सकती हैं। मेरी फिल्मों में भी कनेक्शन हो सकते हैं, जब आप इसे देखोगे तो आपको ये लगेगा और पता भी चल जाएगा। जब आदित्य से वरुण और शर्वरी के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा, आपको क्या सच में लगता है कि मैं ये सब बता दूंगा? मैं नहीं बताऊंगा। एक फ्रेंचाइजी मूवी का रोमांचक हिस्सा है। भेड़िया को लिखा था नीरेन भट्ट ने। वो बाला और तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके हैं। कॉमेडी पर उनकी कमांड काफ़ी मजबूत है। उसका नमूना आपको यहाँ भी यानी मुंडिया मूवी में भी देखने को मिलेगा। भेड़िया और स्त्री की तरह हॉरर कॉमेडी बताकर प्रमोट किया गया था। भेड़िया में हॉरर वाले पार्ट के हिस्से में कुछ जंप स्केयर आते हैं, कुछ मौक़ों पर हल्का फुल्का चौंकाते हैं, लेकिन सीट से उछल जाने जैसा इफ़ेक्ट पैदा नहीं करते। हालांकि ह्यूमर अपना काम पूरी तरह से कर जाता है, हर एक शॉट लेता है और कहीं मिस नहीं करता। नीरेन भट्ट ने आज की ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए अपने पंचेस डिज़ाइन किए, खासतौर पर 18 से 35 साल की उम्र के लोगों को ध्यान में रखकर लिखे गए हैं डायलॉग्स, जो पॉप कल्चर को क्लोजली फॉलो करते हैं। आप ब्रेकिंग बैड का आई एम द डेंजर सुनते हैं, शहनाज गिल का डायलॉग, क्या करूं मैं मर जाऊं, मेरी कोई फीलिंग्स ही नहीं है, सुनते हैं। क्लाइमेक्स में सीरियस हो जाने तक से पहले हर जगह पंचेस का इस्तेमाल हुआ है। नीरेन भट्ट की राइटिंग के साथ बात करनी ज़रूरी है अमर कौशिक के डायरेक्शन की। 2018 में आई स्त्री को भी उन्होंने ही डायरेक्ट किया था। कागज़ से स्क्रीन पर लाने में अमर कहानी की एंटरटेनमेंट वैल्यू को फीका नहीं पड़ने देते। नीरेन की रची छोटी सी दुनिया को इस कदर पेश किया गया कि
मूवी देखते वक्त तो उसके बाहर की दुनिया पर ध्यान ही नहीं जाता। 2 घंटे 36 मिनट की रन टाइम के दौरान कुछ चीज़ें भले ही खटकती है, लेकिन वो ऐसी नहीं कि मूवी को खारिज कर दिया जाए। मुंजा के राइटर भी नीरेन भट्ट हैं और इसमें भी ऐसे कई सारे ह्यूमर्स ऐड करेंगे जिससे मूवी में हंसी का डोज बढ़ता ही जाएगा। और अगर उन्होंने अपनी पुरानी कुछ फिल्मों में कमी की भी होगी तो वो इसमें ज़रूर वो चीज़ दूर कर देंगे। नीरेन भट्ट ऐसी कहानी लिखते हैं जिस कारण ऑडियंस भी इसी चीज़ में इन्वेस्टेड रहती है कि आखिर अब क्या होगा। मेकर्स ने बताया कि इसी स्पेशल इफेक्ट और कंप्यूटर जनरेटेड कैरेक्टर को बनाने के ऊपर मूवी का आधा बजट खर्च हो गया है। मुंजिया मूवी के स्पेशल इफेक्ट के लिए ब्रिटिश कंपनी DNEG से कोलैबोरेट किया गया है। इस कंपनी ने ड्यून, जस्टिस लीग और एक्वामैन जैसी फिल्मों के स्पेशल इफेक्ट बनाए थे। डेनिस डायरेक्टेड फिल्म ड्यून को ऑस्कर 2022 में कुल 10 नॉमिनेशंस मिले थे। उनमें से मूवी ने 6 कैटेगरीज में अवार्ड भी जीते। इसमें बेस्ट साउंड, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स, बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन और बेस्ट एडिटिंग के अवार्ड्स शामिल हैं। मगर इसमें से एक अवार्ड का कनेक्शन इंडिया से है। ड्यून के लिए विजुअल इफेक्ट्स का काम DNEG नाम की कंपनी ने किया था। इस कंपनी के चेयरमैन और CEO का नाम है नमित मल्होत्रा, जो कि भारतीय हैं। अब अगर बहुत ही पॉजिटिव हम सोचते भी हैं तो मोस्ट प्रोबेबली मुंजिया को भी ढेरों अवार्ड से नवाजा जाएगा। ड्यून ऑस्कर की रेस में DNEG के VFX वाली इकलौती मूवी नहीं थी। इस कैटेगरी में फ्रिगाई, शॉन्ग ची, स्पाइडरमैन नो वे होम और नो टाइम टू डाई जैसी फिल्में भी नॉमिनेटेड थी। इनमें से बॉन्ड मूवी ने नो टाइम टू डाई का विजुअल इफेक्ट्स भी नमित मल्होत्रा की कंपनी DNEG ने ही किया था। ड्यून के ऑस्कर जीतने के बाद इंडिया टुडे ने नमित मल्होत्रा से बातें भी की। इस इंटरव्यू में नमित ने बताया कि DNEG के भविष्य को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। वो कहते हैं, ड्यून हमारे लिए बेहद खास मूवी है। मैं कहता आ रहा हूँ कि इस मूवी में हमने जो काम किया है वो VFX स्पेस को 2 काल खंडों में तोड़ेगा। ड्यून के पहले और ड्यून के बाद इस मूवी के लिए हमारी टीम ने जिस तरह का कमाल किया है वो देखकर मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है। ड्यून में हमें सिर्फ वो बड़े VFX मोमेंट्स नहीं क्रिएट करने थे, बल्कि हमें इस कहानी के साथ न्याय भी करना था। हमें उस कहानी को विजुअल माध्यम से दिखाना था। मुंजिया में जो VFX यूज़ हुआ है उसे भी तो ऑडियंस के थ्रू उतने अच्छे कमेंट्स अभी तक नहीं मिले हैं। बट लेट्स सी थिएटर के लिए क्या उन्होंने छोड़ा है, क्योंकि आपको तो याद ही होगा जब आदि पुरुष आई थी तो सब ऐसे ही क्रिटिसाइज कर रहे थे कि VFX अच्छा नहीं है, कार्टून वाली फीलिंग आ रही है। तब ओवर कॉन्फिडेंट ओम राउत ने कहा था कि ये मूवी थिएटर के लिए बनी है, ना कि किसी 5 इंच वाली स्क्रीन के लिए। ओम राउत के ओवर कॉन्फिडेंस ने तो उन्हें डुबा दिया। लेकिन यहाँ मुंजिया के मेकर्स के साथ ये मसला नहीं है। वो बस अपनी मेहनत पर भरोसा कर रहे हैं और अपनी टीम पर। बाकी जो होगा सब कुछ ऑडियंस के ऊपर है। मुंजिया के डायरेक्टर न्यूज़ एजेंसी PTI से बात करते हुए आदित्य ने कहा, हमारी मूवी के बजट का 50% तो VFX पर खर्च हो गया। ये एक बड़ा अमाउंट है। इससे पता चलता है कि VFX कितना इम्पॉर्टेंट है। हमने CGI और VFX की मदद से क्रिएटर को क्रिएट किया है, जिसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च की गई, उसके बाद उसे बनाया गया। आदित्य ने बताया कि मूवी को बनने में 2 साल लग गए। आदित्य कहते हैं, मुंजिया की स्टोरी योगेश चंदेकर और नीरेन भट्ट ने लिखी है। 2022 में हमारे पास स्टोरी की आउटलाइन थी, इसके बाद हमने स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखा। हमें मूवी को लिखने में 6 से 7 महीने लग गए। उसके बाद लास्ट ईयर हमने जनवरी से इसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया। इसके बाद हमें इस क्रिएटर को डेवलप करने में टाइम लग गया। आदित्य ने आगे ये भी बताया, जब जनता कहती है कि VFX सही नहीं है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका काम ठीक नहीं था। ऐसा तब होता है जब हम पर बहुत ही ज़्यादा दबाव हो, डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर का प्रेशर हो। ये सभी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से मूवी पर पूरा काम नहीं हो पाता है। इसलिए मूवी कभी कभी आधी बनी हुई होती है और ऐसे ही दर्शकों के सामने आ जाती है। हालांकि आदित्य ने ये अभी तक नहीं बताया कि मुंजिया का टोटल बजट कितना है। मूवी की स्टार कास्ट ठीक है। मुंजिया की कहानी मराठी लोक साहित्य से जुड़ी हुई है। मुंजिया शब्द मराठी के मुंज से आया है।
मुंजिया में हमें VFX का कमाल काम भी देखने को मिलेगा। वैसे अभी तक हमने जितने भी क्लिप्स देखे हैं उससे उसका VFX ओके लगा। वैसे तो पहले भारत में तो उतनी VFX का यूज़ ही नहीं होता था, लेकिन जब से बाहुबली मूवी आई तब से भारत में कई सारी फिल्म में प्रयोग स्टार्ट हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हॉलीवुड मूवी ज़्यादातर VFX तकनीक के ही मदद से बनाया जाता है। लेकिन आप जानना चाहते होंगे कि आखिर VFX होता क्या है, तो चलिए जानते हैं। VFX को विजुअल इफेक्ट्स कहते हैं। विजुअल इफेक्ट्स बनाने के लिए कंप्यूटर में बड़ी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीकी का इस्तेमाल ज़्यादातर फिल्म बनाने में किया जाता है या एड्स बनाने में किया जाता है, और हॉलीवुड मूवी में तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा ही होता है। लेकिन अब बॉलीवुड मूवी में भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा, और हाल ही में आई मूवी ब्रह्मास्त्र मूवी में भी पूरे VFX तकनीक के मदद से बनाया गया। हालांकि अब आने वाली लगभग सभी मूवी में थोड़ी बहुत VFX का उपयोग होता ही है, क्योंकि VFX की मदद से उस मूवी में अपने हिसाब से किसी भी सीन को बेहतरीन बनाया जा सकता है और उसमें खर्चा भी बहुत कम होता है। इसलिए आजकल मूवी बनाने में विजुअल इफेक्ट्स का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और अगर आप ऐसे कोई मूवी देख रहे हैं जिसमें कोई ऐसा सीन है जो आपको लगता है कि ये असल में संभव नहीं है, तो आप समझ जाइए कि वो सीन VFX की ही मदद से किया गया है। अब हम आपको CGI के बारे में, CGI का पूरा मतलब कंप्यूटर जनरेटेड इमेज होती है, जो कि ये मूवी मुंजिया जो है वो CGI बेस्ड है। इस तकनीक का इस्तेमाल लगभग सभी मूवी में होता है, क्योंकि CGI की मदद से हम किसी भी तरह का सेट तैयार कर सकते हैं तो देखने में बिल्कुल असली लगता है। इसलिए इसे फिल्मों में इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि आप असली और नकली में फ़र्क ही नहीं कर पाओगे। साथ ही सेट बनाने का हज़ारों लाखों खर्चा बच जाता है, और आपकी कल्पना शक्ति पर निर्भर होती है कि आप CGI की मदद से क्या क्या बना सकते हैं। तो अब आपको क्लियर हुआ कि CGI और VFX क्या है और ये कितना प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है एक मूवी के लिए। आपने मुंजिया तो में देखा है कि कैसे एक CGI घोस्ट बनकर और ख़तरनाक दिख रहा है, जो कि काफ़ी रियलिस्टिक भी है। जहाँ हमें मूवी में इतनी ज़्यादा मस्त VFX और CGI कैरेक्टर देखने को मिलेगा, तो वहीं मेकर्स इसमें चार चांद लगाने के लिए मुंजिया में एक से बढ़कर एक गाने ऐड कर रहे हैं। मूवी का पहला गाना आपने तो सुना ही होगा, ओए होए क्या ज़बरदस्त तड़का है ये गाना, जिसका टाइटल है तरस। अभिनेत्री शर्वरी वाघ अपनी आगामी मूवी मुंजिया को लेकर सुर्खियों में है। हाल ही में इस मूवी का ट्रेलर भी जारी किया गया था, जिसे देखकर ऑडियंस का उत्साह बहुत ही बढ़ गया। वहीं इसके बाद रिलीज हुआ शर्वरी का गाना तरस, इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है। गाने में अभिनेत्री का बोल्ड अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। ये गाना बहुत कम समय में ही लोगों की जुबान पर चढ़ चुका है। इस गाने को अब तक 1,20,00,000 से ज़्यादा बार यूट्यूब पर देखा जा चुका है। गाने में अभिनेत्री की हर एक अदा लोगों की धड़कनें तेज़ कर रही हैं। इस गाने को लेकर शर्वरी कहती हैं, मैं जब से हिंदी मूवी में अभिनेत्री बनना चाहती थी, एक बड़ा डांस नंबर करने की मेरी हमेशा से ही ख्वाहिश रही है। ऐसे गानों ने मुझे हमेशा ही मोहित किया है। मैं हिंदी सिनेमा की प्रमुख अभिनेत्रियों के साथ साथ डांस नंबर करने वाली कई अभिनेत्रियों से भी काफ़ी प्रभावित रही हूँ, जिन्होंने बड़े चार्ट बोस्टर्स गाने दिए हैं और उन गानों पर पूरा देश थिरका है। अभिनेत्री आगे कहती हैं, सिनेमा शोबीज हैं और गाने और डांस नंबर एक उपकरण की तरह होते हैं, जिससे लोग ये तय कर पाते हैं कि उन्हें फिल्म देखनी है या नहीं। पार्टी में बजने वाले इस तरह के गानों ने समय समय पर कलाकारों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन से खास पहचान दिलाई है। मैंने मशहूर सितारों को ही बड़े डांस नंबर मिलते देखा है, क्योंकि उनमें लोगों का ध्यान आकर्षित करने की क्षमता होती है। तो ये तो हुई एक गाने की बात। अब जब गाना इतना धमाल कर रहा है, तो मूवी तो ज़बरदस्त तहलका मचाएगी। और जहाँ इतने ठुमके लगाए जा रहे थे, वहीं दूसरे गाने में शर्वरी ने रोमांटिक अंदाज दिखाया है। मूवी का दूसरा रोमांटिक गाना तेनू खबर नहीं, गाने के वीडियो में शर्वरी वाघ और अभय वर्मा की ज़बरदस्त रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। गाने को बेहद पसंद भी किया जा रहा है। हाल ही में गाने का एक टीज़र भी रिलीज़ किया गया था। गाने के टीज़र को देखने के बाद फैंस इस गाने के रिलीज़ होने का
एक्साइटमेंट जता रहे थे जो ख़त्म हो चुका है। गाना सुनने में बेहद प्यारा है और ख़ास बात ये है कि इस गाने को बॉलीवुड के फेमस और सभी के पसंदीदा सिंगर अरिजीत सिंह ने अपनी प्यारी सी मेलेडियस आवाज़ दी है, जिसके बाद गाना सुनने में और ज़्यादा मधुर लग रहा है, फैंस का दिल जीत रहा है। कुछ ही देर पहले जारी हुए इस गाने के वीडियो को बेहद पसंद किया जा रहा है, साथ ही फैंस मूवी को लेकर एक्साइटेड हैं। अब देखते हैं गाने में कौन कौन से और भी बोल होंगे, यानी मूवी में देखने को मिलेंगे। जो साथ ही एक और गाना तेनू खबर नहीं, ये भी आपके दिलों पे राज करेगा। मुंजिया के सभी गाने बहुत ही परफेक्ट हैं। अब मुंजिया मूवी कितनी परफेक्ट होती है ये तो डायरेक्टर ने बता ही दिया है हमें। की सभी फिल्मों में चाहे वो स्त्री हो या भेड़िया, ये तत्व मौजूद है। भारतीय लोक कथाओं में कई अलौकिक जीव हैं जिन्हें अभी तक खोजा जाना बाकी है। मुंजिया के पहले लुक ने लोगों को इसकी तुलना दी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के गोलम से करने पर मजबूर कर दिया है। असल में लुक भी काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। अंगूठी की खोज में वो अहम किरदारों में से एक था। सभी ने इसे बॉलीवुड का गोलम करार दिया, लेकिन ये बात तो है बॉलीवुड चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, आखिरकार हॉलीवुड और टॉलीवुड वालों को बिना कॉपी किए नहीं रहता। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय लाइव एक्शन मूवी सीरीज है। हॉबिट को मिलाकर पीटर जैक्सन निर्देशित इस सीरीज की 6 फिल्में आ चुकी हैं। अब एक नई मूवी सीरीज की तैयारी चल रही है, जिसकी पहली मूवी 2026 में रिलीज हो सकती है। ये नई सीरीज गोलम के किरदार पर बेस्ड होने वाली है। मूवी सीरीज में इस किरदार को एंडी सर्किस निभा रही हैं। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म सीरीज में गोलम एक क्रिएटर जैसा किरदार है जो इंसानों की तरह दिखता है। कई साल पहले गोलम भी इंसान ही था, मगर रिंग की चाहत में उसका ये हाल हो गया। गोलम सिर्फ मछली खाता है, उसका नाम स्मिगल था, मगर गटकते वक्त गले में आवाज़ करने के कारण उसे गोलम नाम दे दिया गया। कहीं ना कहीं इसकी स्टोरी थोड़ी बहुत हमारे मुंजिया से भी मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आखिर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और मुंजिया ये दोनों ही फिल्मों की कहानी काल्पनिक है, जिसका इंस्पिरेशन किसी हिडन जगह से ही लिया गया है। मुंजिया गेम चेंजर बनने का वादा करती है, जिसमें हास्य की हार्दिक खुराक के साथ अनएक्सपेक्टेड मोर शामिल है। मोस्ट अवेटेड मूवी मुंजिया की रिलीज की तारीख नज़दीक है। इसी बीच निर्माताओं ने मूवी से जुड़ा एक दिलचस्प मोशन पोस्टर जारी कर फैंस के उत्साह को सातवें आसमान पर पहुंचाया। मूवी के पोस्टर, ट्रेलर और शर्वरी के भावपूर्ण गीत तरस से उत्पन्न प्रत्याशा के आधार पर मोशन पोस्टर साजिश की एक और परत जोड़ता है। मैडॉक फिल्म्स द्वारा साझा किए गए मोशन पोस्टर में एक गंजे बच्चे की चौंकाने वाली छवि है, जो महाराष्ट्रियन दुल्हो और दुल्हन द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक सिर के आभूषण है, मुंडावल्या से सजी हुई है। ये भयानक दृश्य उस रोमांचक यात्रा का संकेत देता है, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। निर्माताओं ने मोशन पोस्टर जारी करने के साथ पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, मुंजिया की मुन्नी की तलाश पूरी होगी या नहीं, ये 6 दिनों में 7 जून को अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में पता करें। मुंजिया में शर्वरी वाघ, मोना सिंह, अभय वर्मा और सत्यराज अहम भूमिका में दिखाई देंगे। मुंजिया की कहानी कोंकण तट लोक कथाओं के एक पात्र मुंजिया पर केंद्रित है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि आखिर कोंकण तट लोक कथाओं है क्या, अभी कौन सी जगह है, यहाँ आखिर क्या है जैसे मेकर्स ने अपना इंस्पिरेशन मान मूवी बना डाली। कोंकण नगर भांडुप में एक पड़ोस है जहाँ लोगों का वास है, और मालवान में एक और झील धामपुर तालाब पड़ोस की दो ऐसी जगह है जहाँ कलाकार प्रजक्ता पल्लव अहर लगभग एक दशक से जुड़ी हुई है। कोंकण नगर 1970 के दशक से विकसित हुआ, जब लोग बॉम्बे की कपड़ा मिलों में काम करने के लिए कोंकण तट से पलायन कर गए और इस पहाड़ी को अपना घर बना लिया, जिसे उनके समुदाय और सांस्कृतिक जीवन के रूप सामने आए। मुंबई के कई शहरी गांवों में से कोंकण नगर का विकास वहां रहने वाले लोगों द्वारा धीरे धीरे किया गया, आमतौर पर बहुत कम सहायता के साथ। मुंजिया में दिनेश विजान अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजन के साथ इसकी जगह की ऑथेंटिसिटी को बरकरार रख इस मूवी को और भी इंटरेस्टिंग बना दिए हैं।
धामपुर तालाब का डेवलपमेंट 16th सेंचुरी में लोकल गांव के लोगों के थ्रू किया गया, मिट्टी से भरे बांध के निर्माण के माध्यम से किया गया था। और ये सबसे बड़ी ताज़े पानी की झीलों में से एक है जो सोसाइटी को बनाए रखती है, और इसकी बायोडाइवर्सिटी बहुत ही फेमस है। इसका डिज़ाइन स्थानीय क्लाइमेट की जियोग्राफिकल और वाटर साइंस से रिलेटेड समझ और मिट्टी के तटबंध यानी हाल ही में कंक्रीट द्वारा प्रतिस्थापित की मिट्टी के गुणों को दर्शाता है, जो पुरानी ग्रामीणों के गहन ज्ञान की पुष्टि कराता है। कोंकण नगर और धामपुर तालाब दोनों ही अभिनव और संधारणीय पड़ोस संरचनाओं के उदाहरण हैं, और कलाकार को इन स्थलों और इसकी कहानियों की ओर बचपन की यादों और इन स्थानों के उनके मूल से जुड़ाव के कारण आकर्षित किया गया था। पैदल यात्रा, ट्रैकिंग, निवासियों के साथ बातचीत, फोटोग्राफी, पेंटिंग, परियोजनाओं और छात्रों और बच्चों के साथ कार्यशालाओं के माध्यम से इन स्थानों की खोज करते हुए कलाकार ने सहयोगात्मक इतिहास बनाया है, जो स्थान, पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं और स्थानीय निर्मित वातावरण के विकास को हाईलाइट करता है, जो रियल एस्टेट और शहरी चिंताओं से चुनौती देते हैं। मुंडरा के मेकर्स ने इस जगह को बहुत अच्छे से परखा है, उसके बाद इसे मूवी का सेंटर टॉपिक बना डाला है। यहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट बेस्ड तरीकों के माध्यम से लोकल बच्चों से जुड़ने से प्रकृति, स्वदेशी सब कल्चर्स और ज्योग्राफी की बदलती ओमनी प्रेजेंट रियलिटी के रिकॉर्ड से जुड़ी इन अक्सर अनदेखी की गई कहानियों तक पहुँचने का मौका मिला। इस मूवी मुंडरा में मेकर्स इस बारे में बात करेंगे कि कोंकण नगर, धामपुर तालाब और बाकी के डेवलपमेंट्स कैसे हुए। ये सब भी इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का ही हिस्सा है जो हमें मूवी में देखने को मिलेगा। निर्माता दिनेश विजन की इस मूवी में केंद्रीय भूमिका निभा रही शर्वरी वाह कहती हैं कि मैं मुंबई की हूँ लेकिन अपने गांव अक्सर जाती हूँ। वहाँ पर बचपन में हमें कहानी सुनाई जाती थी कि खाना खा लो वरना मुंडरा आ जाएगा, वो तुम्हारा खाना खा जाएगा। ये बच्चों को डरा धमका कर काम कराने के लिए बोला जाता था। जब मैंने सुना कि इसी कॉन्सेप्ट पर मूवी बन रही है तो ये यादें ताज़ा हो गई। मेरा इस विषय से थोड़ा निजी जुड़ाव है। बचपन से आप कुछ सुनते आ रहे हो और प्रोफेशन में वैसा करने का मौका मिले तो उससे बेहतर और क्या होगा। शर्वरी आगे कहती हैं कि मुझे हॉरर फिल्मों से बहुत ही डर लगता है, पर इसमें हॉरर के साथ कॉमेडी है तो हमने इन्जॉय किया। मूवी में मुंडरा का पात्र CGI यानी कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी से बनाया गया है। पहली बार ऐसे कलाकार के साथ काम किया जो सेट पर ही नहीं आया, उसे कोई मुलाकात ही नहीं हुई, तो काम करने में कठिनाई तो हुई, स्वाभाविक भी था। उन्होंने कहा कि जब ट्रेलर आया तभी हमने भी मुंडरा को देखा, वो मूवी का अहम कैरेक्टर है। एक्शन सीक्वेंस करना भी आसान नहीं था। ट्रेलर में एक सीन है जिसमें पेड़ों की शाखाएं हैं, उसमें नायक अभय वर्मा के साथ मेरे एक्शन सीन्स हैं। शुरुआत में हम तय ही नहीं कर पा रहे थे कि ये कैसे होगा। मुंडरा को लेकर हमने अपनी कल्पनाओं का उपयोग किया, मेहनत पूरी की है। अब चाहती हूँ कि ऑडियंस की उम्मीदों पर हम खरा उतरे। मुंडरा के बाद शर्वरी YRF यूनिवर्स के साथ भी हाथ मिलाएंगी। यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स में आलिया भट्ट की एंट्री हो चुकी है। मूवी के टाइटल की भी घोषणा नहीं की गई है लेकिन मूवी अभी से चर्चा बटोर रही है। इस मूवी में आलिया भट्ट के साथ शर्वरी वाघ नजर आएंगी। शर्वरी यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स को लेकर बहुत ही एक्साइटेड हुई हैं। मुंडरा के प्रमोशन के दौरान उन्होंने बताया कि वो एक अभिनेत्री के तौर पर कैसी हैं और ऑडियंस के मन में कैसी इमेज रखना चाहती हैं। शर्वरी वाघ ने टाइम्स एंटरटेनमेंट के साथ बातचीत में कहा, मैं उन अभिनेत्रियों में से एक बनना चाहती हूँ जिन्हें लोग स्क्रीन पर किसी भी नए किरदार में पहचान नहीं पाते। मैं लोगों को शॉक करना चाहती हूँ और ये एक बहुत ही कन्वीनियंस और कॉन्शियस डिसीजन है मेरा। इसलिए मुंडरा का एक हॉरर कॉमेडी है जिसमें लोगों ने मुझे पहले कभी नहीं देखा है। मूवी में वेदा एक मुख्य भूमिका है जिसमें मेरे कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। यह निखिल अडवाणी के साथ में एक सोशल ड्रामा मूवी है जो हमारे देश के बेस्ट डायरेक्टर्स में से एक हैं। शर्वरी वाघ ने YRF स्पाई यूनिवर्स के बारे में भी बात की और बताया कि ये मूवी उनके लिए क्यों खास है। शर्वरी ने बताया कि आलिया भट्ट उनकी फेवरेट एक्ट्रेस हैं जिनके साथ वो काम करने वाली हैं। एक्ट्रेस ने कहा, मैं आलिया के साथ स्पाई यूनिवर्स की मूवी कर रही हूँ, वो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है,
तो मैं क्या ही कहूँ, ये एक बड़ी कमर्शियल स्पाई यूनिवर्स मूवी है। ये सभी एक दूसरे से बहुत बिल्कुल अलग जॉनर की है और मुझे लगता है कि मैं बहुत ही लकी भी हूँ। शर्वरी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। दरअसल उनके नाना मनोहर जोशी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वहीं उनके पिता शैलेश वाघ मुंबई के जाने माने बिल्डर हैं, जबकि माँ नम्रता वाघ आर्किटेक्ट हैं। इनके अलावा उनकी बहन कस्तूरी भी आर्किटेक्ट हैं। शर्वरी वाघ ने बॉलीवुड में अपना करियर बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर स्टार्ट किया था। उन्होंने सबसे पहले साल 2015 के दौरान लोगों को दिल चीरने यानी प्यार का पंचनामा 2 में अपना कमाल दिखाया। इसके बाद उन्होंने बाजीराव मस्तानी में भी असिस्टेंट डायरेक्टर की जिम्मेदारी संभाली। वहीं सोनू के टीटू की स्वीटी में भी इस जिम्मेदारी को उन्होंने आगे बढ़ाया और बढ़िया काम किया। 3-3 फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर की जिम्मेदारी निभाकर शर्वरी माया नगरी के गुना गणित को आसानी से समझ चुकी थी। ऐसे में उन्होंने फैंस का दिल चुराने के लिए एक और कदम बढ़ा दिया। दरअसल साल 2021 में रिलीज हुई बंटी और बबली 2 में शर्वरी ने अहम किरदार निभाया। इस मूवी में वो सोनिया बबली रावत के किरदार में नजर आई थी। बता दें कि शर्वरी साल 2020 के दौरान वेब सीरीज दी फॉरगॉटन आर्मी आज़ादी के लिए में माया श्रीनिवासन का कैरेक्टर भी निभा चुकी हैं। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि अपने छोटे से फिल्मी करियर में ही शर्वरी 2 बड़े अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी हैं। दरअसल मूवी बंटी और बबली 2 के लिए उन्हें साल 2022 का डेब्यू ऑफ द ईयर का आईफा अवार्ड और बेस्ट फीमेल डेब्यू का फीमेल अवार्ड भी मिला था। शर्वरी जल्द ही फिल्म मुंज्या में मुन्नी के तौर पर नजर आएंगी यानी वेदा। शर्वरी वाघ बाहुबली के कटप्पा यानी सत्यराज से भी बहुत ही इंस्पायर्ड है। बाहुबली में कटप्पा का रोल करने वाले मशहूर साउथ एक्टर सत्यराज भी मुंज्या में नजर आ रहे हैं। वो मूवी में भूत भगाने वाले एक आदमी के रोल में है। इसमें सत्यराज वो कोंकण जंगलों में भूतों की पहचान करते हैं। जिस पेड़ पर भूत पाया जाता है पहले उसकी पूजा अर्चना करते हैं और फिर शमशान की लाई हुई हड्डियों से तंत्र मंत्र के सहारे उसे काबू में कर लेते हैं। इससे ऐसे लोगों को राहत मिलती है जिन्हें प्रेत आत्मा या फिर भूत परेशान किया करते हैं। सत्यराज का भूत भगाने वाले बाबा का रोल ये दावा करता है कि पूजा के बाद तंत्र मंत्र के जरिए वो भूत को पकड़ लेते हैं। इसी खुशी में वो वहीं पर नाचते भी हैं। इसके बाद वो भूत को पकड़ कर घर ले जाते हैं और फिर वहाँ भूत को किसी को परेशान नहीं करने के लिए विवश कर जंगल में छोड़ देते हैं। जब शर्वरी अपने बॉयफ्रेंड यानी अभय वर्मा से तंग आ जाएगी मूवी में, तब वो इन्हीं बाबा यानी सत्यराज के पास मदद मांगने जाती है ताकि वो उसे भूत से छुड़ा पाए। शहरों में तो नहीं लेकिन गाँव में आज भी भूत प्रेत के हजारों किस्से बेहद फेमस हैं। देश के कुछ हिस्सों में तो अभी भी दावा किया जाता है कि भूत होते हैं और उनका साया जीवित व्यक्ति पर आ जाता है। इसको लेकर कई बार तो महिलाओं की हत्या भी कर दी जाती है। शर्वरी वाघ ने कटप्पा की तारीफों के पुल बांधे हैं। SS राजा मौली और बाहुबली की बहुत बड़ी प्रशंसक शर्वरी के लिए ये एक रोमांचक एक्सपीरियंस था। सेट पर पहले दिन से ही शर्वरी सत्यराज के समर्पण और कला से प्रभावित थी और उन्होंने इस अनुभवी अभिनेता से बहुत कुछ सीखा। इस बारे में बात करते हुए शर्वरी ने कहा, मैं राजा मौली सर के सभी कामों और निश्चित रूप से उनकी एपिक कल्ट ब्लॉकबस्टर बाहुबली की बहुत बड़ी फैन रही हूँ। मैंने दोनों फिल्में कई बार देखी हैं, इसलिए जब मुझे पहली बार पता चला कि सत्यराज यानी कटप्पा सर मुंज्या का हिस्सा है तो मैं शब्दों से परे उत्साहित थी। शर्वरी ने अभिनेता को उनके दृश्यों को शानदार ढंग से प्रस्तुत करते हुए देखकर उनसे बहुत कुछ सीखा। वो आगे कहती हैं, सत्यराज सर को सेट पर देखना हर दिन एक अभिनय कार्यशाला में भाग लेने जैसा था। उनकी बहुमुखी प्रतिभा, धैर्य, विशुद्ध प्रतिभा हर चीज़ से परे थी, चाहे वो कोई कॉमेडी सीन हो या कोई गहन क्षण। सत्यराज सर की निरंतरता और सहजता हर दृश्य को बहुत लाइवली बना देती थी।
इस एक्सपीरियंस ने नहीं केवल शर्वरी के अभिनय कौशल को समृद्ध किया बल्कि सिनेमा की कला के प्रति उनकी प्रशंसा को भी गहरा कर दिया। वो उनके साथ और भी अधिक काम करने की इच्छा व्यक्त करती हैं। शर्वरी आगे कहती हैं, मैं इसे अभूतपूर्व अभिनेता के साथ स्क्रीन साझा करने के लिए अवसर के लिए बहुत ही अविश्वसनीय रूप से आभारी हूँ। मुझे उम्मीद है कि मुझे उनके साथ फिर से काम करने का अवसर मिलेगा। वैसे इतना प्यार तो कटप्पा को मिला सिर्फ और सिर्फ बाहुबली की वजह से, लेकिन एक्चुअल में राजा मौली सत्यराज को नहीं देना चाहते थे कटप्पा का रोल। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये एक ऐसा सवाल था जो साल 2015 में सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा पूछा गया था। बाहुबली दी बिगिनिंग देखने वाले हर ऑडियंस ने एक दूसरे से ये सवाल पूछा और इस बारे में खूब चर्चा की। सिनेमा जगत में विलेन तो बहुत हुए, लेकिन कटप्पा जैसा विलेन नहीं हुआ जिसने क्लाइमेक्स में पूरी की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कटप्पा का रोल प्ले करने वाले सत्यराज इस मूवी के लिए राजा मौली की पहली पसंद थे ही नहीं। प्रभास और राणा दग्गुबाती स्टारर मूवी बाहुबली में कटप्पा का रोल इतना ज़्यादा क्रूशियल था कि ऑडियंस प्रभास के साथ साथ सत्यराज के किरदार को भी अच्छी तरह से समझना चाहते थे। लेकिन अगर सत्यराज नहीं होते तो फिर कौन इस किरदार को करने वाला था? जानकारी के मुताबिक डायरेक्टर राजा मौली ने इस मूवी के लिए मोहन लाल को फाइनल किया था। हालांकि उनके पास तब डेट्स नहीं थी, इसलिए निर्देशक को कोई और नाम सोचना था। काफ़ी देर सोचने के बाद राजा मौली ने सत्यराज का नाम फाइनल कर लिया। सत्यराज साउथ की फिल्मों का जाना माना चेहरा थे और साल 2013 में शाहरुख खान के साथ आई मूवी चेन्नई एक्सप्रेस के विलन का रोल प्ले कर चुके थे। सत्यराज ने बाहुबली में कटप्पा का रोल स्वीकार कर लिया और फिर आगे जो कुछ भी हुआ वो तो इतिहास ही है और वो सब जानते हैं। सत्यराज के लिए बाहुबली ने वो कमाल कर दिया जो शाहरुख खान की मूवी चेन्नई एक्सप्रेस भी नहीं कर पाई। हिंदी सिनेमा के दर्शक अब सत्यराज को पहचानने लगे थे। कटप्पा के किरदार ने ऐसा जादू चलाया कि इस मूवी के बाद सत्यराज को कई फिल्में और एड्स मिले। हालांकि कटप्पा का किरदार हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया है और अब मुंशिया में सत्यराज एक बार फिर अपना दबदबा और अपने कैरेक्टर को इमॉर्टल करेंगे। इस बार फॉर अ चेंज इनका कैरेक्टर किसी विलेन का नहीं बल्कि एक बाबा का है। अब ये बाबा ढोंगी बाबा है या फिर रियल बाबा, ये तो मूवी में ही पता चलेगा। पापा का ये रोल यानी बाबा का रोल हम आधी रात को देखेंगे। दरअसल मुंजिया का निर्माण करने वाली मेडॉक फिल्म्स इस मूवी को आधी रात को रिलीज करने की घोषणा कर चुकी है। शुक्रवार को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले इस मूवी को कुछ चुनिंदा जगहों पर सीमित स्क्रीन के साथ गुरुवार की आधी रात को प्रदर्शित किया जाएगा। हॉरर फिल्मों के शौकीन लोगों के लिए रोमांचक माहौल तैयार करने के लिए निर्माताओं ने ये फैसला लिया है। इस बारे में बात करते हुए दिनेश विजान ने कहा, हम मुंजिया को पहली बार पर्दे पर प्रदर्शित करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। आपके नज़दीकी किसी थिएटर में मुंजिया मिलने के लिए आधी रात से बेहतर समय और क्या हो सकता है। ये वो समय है जब वो अपनी सबसे पागलपन भरे रूप में होते हैं। मैडॉक फिल्म्स ने अपने आधिकारिक हैंडल पर मूवी का प्रदर्शित करने जा रहे थिएटरों और टिकट्स के बारे में विवरण में अच्छे से ये बात शेयर की है। स्त्री और भेड़िया जैसी फिल्में देने के लिए मशहूर ये प्रोडक्शन हाउस भारत में हॉरर शैली की प्रशंसकों को आकर्षित करने के लिए कई प्रयोग कर रहा है। मुंजिया की सेंसर प्रक्रिया मंगलवार 4 जून को पूरी हो गई। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट ने मूवी को यूए सर्टिफिकेट से पास कर दिया है। आइए इसमें लगे कट और मूवी की अवधि पर भी गौर फरमा लेते हैं। मुंजिया के सेंसर को लेकर इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीबीएफसी की जांच समिति ने ऑडियो या विजुअल में एक भी कट के लिए नहीं कहा। सेंसर सर्टिफिकेट के मुताबिक मूवी की लंबाई 123 मिनट यानी 2 घंटे 3 मिनट है। इस बीच ये पता चला कि मुंजिया का भुगतान पूर्वा
लोकन गुरुवार 6 जून को किया जाएगा। इसलिए मूवी देखने वालों की इसकी पूर्ण रिलीज से एक दिन पहले हॉरर कॉमेडी देखने का मौका मिल सकता है, वो भी आधी रात में। अभय वर्मा की मामी बनी मोना सिंह भी मुनिया की वजह से सुर्खियों में बनी हुई हैं। हाल ही में न्यूज़ 18 के साथ एक इंटरव्यू में मोना सिंह ने इस मुद्दे पर खुलकर बात की। एक्ट्रेस ने कहा कि वो महिलाओं के शरीर को अनुचित तरीके से फोकस करते हैं, ये पेपराइजी की बात हो रही है। क्या वो चलते समय किसी पुरुष के बॉडी पार्ट्स को जूम करके फोकस करते हैं? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन महिला के साथ ऐसा करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके आगे थ्री इडियट्स एक्ट्रेस ने कहा कि ये सब पेपराइजी अपनी खबरों को मसालेदार और सनसनीखेज बनाने के लिए ऐसा करते हैं, और यही वजह है कि उनका फोकस एक्स्ट्रा एक्ट्रेस के खराब फैशन और उप्स मोमेंट पर होता है। एक्ट्रेस ने आगे कहा कि इसके लिए हर किसी को एक साथ मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। मोना सिंह ने बताया कि उनका किरदार बहुत ही स्पेशल होने वाला है मुंज्या में, जो कि अपने अभय वर्मा को बहुत कुछ सिखाएगा और समझाएगा और उसकी बहुत ही मदद भी करेगा। मुंज्या मज़ेदार दृश्यों का एक बेहतरीन रोलर कोस्टर है, जो बेहतरीन है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में हॉरर तत्व की कमी है और कुछ क्षेत्रों में ये औसत है, लेकिन इसे और अधिक होना चाहिए था। कहानी मुंज्या नामक किरदार के बारे में है, जो खतरनाक होने के साथ साथ तेज दिमाग वाला भी है, लेकिन फिर भी अच्छा और मज़ेदार लगता है। कहानी निश्चित रूप से इतनी अच्छी है कि आप इसे जोड़ सकें, जबकि मूवी का अनोखा हिस्सा कमज़ोर है। नाटक भी अच्छा है और ज़्यादातर मज़ेदार है। बीच में और शुरुआत में कुछ डरावने दृश्य भी हैं जो थोड़ा प्रभाव डालते हैं, और बाकी अप्रभावी और मज़ेदार लगते हैं। निर्देशन और स्क्रीन प्ले बढ़िया है। कुछ हिस्सों में स्क्रीन प्ले और बेहतर हो सकता था। कुछ क्षेत्रों से मूवी बहुत मूर्खतापूर्ण लगती है। मुंज्या के साथ मेरा कुल अभिनव औसत रहा। मुंज्या की आवाज़ सहित मज़ेदार दृश्यों ने मेरा दिन बना दिया, जबकि कुछ हिस्सों में ये मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, क्योंकि स्क्रिप्ट उन क्षेत्रों में कमज़ोर है। मुंज्या को लेकर फैंस के साथ साथ टीवी इंडस्ट्री से लेकर बाकी बॉलीवुड सेलेब्स भी काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। हाल ही में मुंबई में मूवी की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जहां सितारों का मेला नज़र आया। चलिए नज़र डालते हैं सभी के शानदार लुक्स पर। शर्वरी वाघ काफ़ी समय से अपनी मूवी को लेकर एक्साइटेड हैं और मूवी के प्रमोशन में भी खूब जी जान लगा रही हैं। हाल ही में सिनेमाघरों में दस्तक देने से पहले मूवी की स्पेशल स्क्रीनिंग में शर्वरी भी अपने क्लैमरस अंदाज से सभी का ध्यान खींचती नज़र आईं। इस दौरान एक्ट्रेस ऑफ ब्लैक एंड पर्पल शॉर्ट ड्रेस में नज़र आ रही हैं और खूब सारे पोज भी देती नज़र आई। स्त्री, भेड़िया और ड्रीम गर्ल टू जैसी फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों के बीच छाए अभिषेक बैनर्जी ने भी इस दौरान अपने सिंपल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। मूवी की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान अभिषेक ऑफ वाइट कलर की शर्ट के साथ ब्राउन पैंट में नज़र आ रही हैं, साथ ही उन्होंने वहीं पेपराइजी को खूब सारे पोज दिए। आखिरी बार करीना कपूर खान और तब्बू के साथ क्रू में नज़र आई खूबसूरत एक्ट्रेस कृति सानन भी हॉरर मूवी मुंज्या का मज़ा लेने के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग में अपनी माँ के साथ नज़र आई। इस दौरान एक्ट्रेस ब्राउन एंड ब्लैक शोल्डर बॉडीकॉन ड्रेस में नज़र आई, वहीं उनकी माँ ब्लैक शर्ट और पैंट में नज़र आई। दोनों ने साथ में काफ़ी सारे पोज दिए। कई हिंदी फिल्मों में नज़र आ चुके मिहिर आहूजा भी मोस्ट अवेटेड अपकमिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म मुंज्या की स्पेशल स्क्रीनिंग में नज़र आए। इस दौरान उनके साथ उनकी फ्रेंड भी नज़र आ रही हैं। स्क्रीनिंग के दौरान मिहिर वाइट टी शर्ट के साथ ऑरेंज शर्ट और वाइट पैंट में नज़र आए, तो वहीं उनकी दोस्त भी वाइट टॉप के साथ ग्रे शॉर्ट्स में नज़र आ रही हैं। दोनों साथ में काफ़ी पोज भी दिए। टीवी की रॉबर्ट बहू रिधमा पंडित भी मोस्ट अवेटेड अपकमिंग हॉरर कॉमेडी मूवी मुंज्या की स्पेशल स्क्रीनिंग में काफ़ी दिलकश स्टाइल में नज़र आई। इस दौरान एक्ट्रेस ब्लैक ऑफ शोल्डर टॉप के साथ ब्लैक पैंट कैरी किए नज़र आई, साथ ही उन्होंने एक बैग भी कैरी कर रखा है और उनके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल भी नज़र आई।
अपने सिंपल लुक और क्यूट स्माइल के लिए पहचाने जाने वाले बॉलीवुड खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक श्रद्धा कपूर भी मूवी की स्पेशल स्क्रीनिंग में नजर आईं। इस दौरान एक्ट्रेस ब्लैक टॉप के साथ ब्लैक पैंट में नजर आ रही हैं। साथ ही साथ एक्ट्रेस हल्के मेकअप के साथ खुले बालों में बलाकी खूबसूरत लग रही हैं। साथ ही उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक क्यूट स्माइल नजर आ रही है। किसी ने इस मूवी को अच्छा रिस्पॉन्स दिया हो या ना दिया हो, लेकिन श्रद्धा कपूर ने, यानी कि क्योंकि वो खुद भी स्त्री की पार्ट रह चुकी हैं, तो उन्होंने इस मूवी का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने खूब तारीफ की इस मूवी की और ऑडियंस से जिक्र भी किया है इस मूवी को जाकर थिएटर में देखने का। बिग बॉस 16 से अपनी ज़बरदस्त पहचान बनाने वाले शिव ठाकरे भी शर्वरी वाघ, अभय वर्मा और मोना सिंह की मोस्ट अवेटेड मूवी हॉरर कॉमेडी मूवी मुंज्रा की स्पेशल स्क्रीनिंग में नजर आए। इस दौरान एक्टर ऑफ वाइट कलर के आउटफिट में नजर आ रहे। साथ ही उन्होंने भी बाप्स को खूब सारे पोज दिए। मुंज्रा भारतीय माइथोलॉजी लेजेंड्स में से एक है जो एक शादी करना चाहता है और उसका वास पीपल के पेड़ पर होता है। वैसे तो मुंज्रा को भारत के अलग अलग राज्य में कई तरह की माइथोलॉजी कहानियां हैं, लेकिन सबका मेल एक ही होता है। कई जगहों पर बताया गया कि मुंज्रा एक प्रेत है जो 10 साल की उम्र में मर गया था। वो किसी से शादी करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई और उसका ये सपना अधूरा रह गया। मुंज्रा पीपल के पेड़ पर रहता है। इसी माइथोलॉजी कहानी पर मैडॉक फिल्म्स इसको लेकर आए हैं। हालांकि इस मूवी की कहानी के मुताबिक मुंज्रा किसी मुन्नी से शादी करना चाहता है जिसको एक रहस्यमय किरदार के तौर पर ऑडियंस के सामने रखा जाएगा। इस मूवी में म्यूजिक सचिन जिगर ने दिया है। मुंज्रा हमें एक भूत के रूप में दिखाई देगा। वो अभय के कंधे पर हमेशा बैताल की तरह लटका रहता है, लेकिन वो किसी को नजर नहीं आता। सूर्यास्त होने के बाद उसकी परछाई दिखती है। पहले तो लोग अभय पर शक करते हैं कि वो चरस वगैरह का नशा करने लगा है। फिर वो बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मुंज्रा नाम का कोई भूत उसके पीछे पड़ गया है और वो उसे परेशान कर रहा है। तो उसके दोस्त उसे पूछते हैं कि अब क्या, तो वो बताता है कि अब वो मुन्नी को ढूंढ रहा है, उसे शादी करेगा। इसी बीच अभय की गर्लफ्रेंड आ जाती है जिसका किरदार अभिनेत्री शर्वरी वाघ निभा रही है, और मुंज्रा उन्हें देखकर उनसे ही शादी करने का सोचता है। और फिर उसके बाद अभय वर्मा और उनकी गर्लफ्रेंड शर्वरी वाघ को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना फेस करना पड़ता है, और फिर बहुत मुश्किलों के बाद मुंज्रा से बच पाते हैं ये लोग। ये सब दिखाने का जो तरीका है वो बहुत ही कॉमेडी वाला है जो ऑडियंस को बहुत ही पसंद आ रहा है। इनके साथ अभिनेत्री मोना सिंह और एस सत्यराज हमें सहायक भूमिका में दिखाई देंगे। मुंज्रा से पीछा छुड़ाने के लिए अभय और उनकी गर्लफ्रेंड तांत्रिक का भी सहारा लेते हैं। वो भी एक बहुत ही कॉमेडी सीन होगा। मुंज्रा अभय को पकड़ कर कैद कर लेता है, फिर उसे छुड़ाने के लिए उनकी गर्लफ्रेंड बहुत प्रयास करती है। इस मूवी की कहानी में हमें बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट दिखाई दिए जाएंगे, जहाँ एक ऐसा भी सीन होगा जिसमें अभय खुद अपनी गर्लफ्रेंड पर चाकू से वार करेंगे और उनकी गर्लफ्रेंड के अंदर भी किसी की आत्मा घुस जाएगी। वो भी बहुत ही कमाल का सीन होगा। इस मूवी में हमें डर से कॉमेडी का तड़का लगता हुआ दिखाई देने वाला है जो कि बहुत ही शानदार होगा। ऑडियंस तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस मूवी को लेकर, उनका बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। बात करें अगर हम मुंज्रा मूवी के निर्देशक की, तो इस मूवी के निर्देशक आदित्य सरपोदार जी हैं। ये का निर्देशक और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर दोनों ही हैं। आदित्य जी मराठी फिल्म इंडस्ट्री में जाने माने निर्देशक हैं। उन्हें साल 2015 में आई मूवी क्लासमेट से काफ़ी पहचान मिली। मूवी उल्हा ढाल उनकी बतौर निर्देशक पहली मूवी थी जिससे उन्होंने डेब्यू किया। वो वानी परिवार की चौथी पीढ़ी के निर्देशक हैं। इससे पहले उनकी परिवार की तीन पीढ़ी भी फिल्म इंडस्ट्री में निर्देशक रह चुके थे। इस मूवी के लेखक तुषार अजगांवकर, नीरेन भट्ट, योगेश चंदेकर जी हैं। इन्होंने मिलकर इस मूवी की कहानी लिखी है। वहीं बात करें अगर हम इस मूवी के स्टार कास्ट की, तो इस मूवी में हमें शर्वरी वाघ, अभय वर्मा और मोना सिंह जी मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगे। इनके अलावा और भी बहुत सारे सहायक किरदार भी होंगे। इस मूवी में म्यूजिक सचिन संघवी और जिगर सरैया ने दिया है और एडिटिंग का काम मोनिशा आर बलदावा ने किया है और सिनेमेटोग्राफी सौरभ गोस्वामी ने की है। अपनी
बहुमुखी प्रतिभा और संपन्न के लिए जाने जाने वाले एक्टर अभय वर्मा अपनी आगामी मूवी मुंड्रिया में मैडॉक फिल्म्स की एक अनूठी सिनेमाई पेशकश के साथ एक नए क्षेत्र में कदम रख रहे हैं। अभय, जिन्होंने पहले सफ़ेद में अपने प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा हासिल की थी, जो कि कांस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, और धर्मा प्रोडक्शंस की ए वतन मेरे वतन के साथ इन्होंने सारा अली खान के लवर का रोल अदा किया था। अब एक मनोरंजन से भरपूर हॉरर मूवी मुंड्रिया में शर्वरी के साथ लव रोमांस करते नजर आएंगे। अपने एक्साइटमेंट और प्रोजेक्ट की विशेषता को दर्शाते हुए अभय ने कहा, बॉलीवुड में पहले कभी ना हुई किसी चीज़ का हिस्सा बनना मेरे लिए खास है। आप हमेशा बॉलीवुड में प्रेम कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं और मैं इतनी प्यारी लेकिन प्यार भरी प्रेम कहानी के लिए भगवान गणेश का बहुत ही आभारी हूँ। मुंड्रिया एक अभिभूतपूर्व मूवी होने का वादा करती है, जिसमें अप्रत्याशित मोड़ के साथ कॉमेडी की भारी खुराक है। मूवी का नेतृत्व करने वाले अभय ने अभिनव परियोजनाओं के लिए अपने जुनून को व्यक्त करते हुए कहा, कुछ ऐसा बनाना जो पहले कभी नहीं किया गया, हमेशा से ही मेरी पसंद रही है। मुंड्रिया एक अनूठा सिनेमाई अनुभव है, जिसमें अप्रत्याशित मोड़ के साथ कॉमेडी भरी खुराक है। इस तरह की प्रेम कहानी का नेतृत्व करना एक सपने के सच होने जैसा है। मूवी का ट्रेलर मुंड्रिया की दुनिया की झलक दिखाता है, जिसमें ऑडियंस में इस रहस्यमय प्राणी की निरंतर खोज के बारे में जिज्ञासा पैदा होती है। ये डरावना लेकिन हास्यपूर्ण दृश्य दर्शकों को इस अनोखे प्राणी और उसकी खोज के पीछे के रहस्य को जानने के लिए उत्सुकता बनाता है। ये मूवी मुंड्रिया के इर्द गिर्द घूमती है, जो भारतीय विश्वास और सांस्कृतिक व्यवस्था में निहित एक मिथिक है। मुंड्रिया न केवल बोल और चल सकती है, बल्कि दर्शकों के दिलों में डर पैदा करने में भी कामयाब होती है, जो इस शैली में एक अनूठा मोड़ जोड़ती है। मूवी के बारे में बात करते हुए दिनेश वेजान ने कहा, इसकी मुख्य कहानी मुंड्रिया की प्रेम कहानी है और ये उसके पहले प्यार मुन्नी के बारे में है, हालांकि वो उससे समझ नहीं पाता है। अगर आपका कभी कोई जुनूनी प्रेमी रहा हो या आप किसी के प्रति जुनूनी रहे हों, तो आप उसके दृष्टिकोण को समझ जाएंगे। अगर उसका नहीं तो मुन्नी का तो ज़रूर, उन्होंने मजाक में कहा। मुंड्रिया तकनीकी रूप से भारत में सबसे उन्नत CGI अभिनेता है और हमें इस पर बहुत प्राउड भी है। ये निश्चित रूप से बच्चों, अगली पीढ़ी और पूरे परिवार के लिए एक शानदार मूवी होने जा रही है। मुंड्रिया, जिसकी पीठ पर रहस्यमय निशान है, लेकिन माहौल जल्द ही बदल जाता है जब हम अभय वर्मा के किरदार बिट्टू पर आते, जो एक अनजान लड़के से पूछते हैं, इस मुंड्रिया ने बॉलीवुड में क्या किया है। वो जवाब देता है, उससे बात करने का एक खास तरीका है, इसलिए बिट्टू और वो आदमी मोमबत्तियों और डरावने मनोचार के साथ एक हास्यास्पद रूप में असफल समारोह का प्रयास करते हैं। हालांकि मुंड्रिया से डायलॉग करने के उनके प्रयासों को चुप्पी का सामना करना पड़ता है। आदमी कहता है, शायद तुम्हारा मुंड्रिया अंग्रेजी नहीं बोलता। जैसे ही भूत की डरावनी आवाज़ गूंजने लगती है, सभी लोग डर जाते हैं। तो ये मूवी बहुत ही अच्छी होगी है। मुंड्रिया के साथ साथ 7 जून को विक्रांत मेसी की ब्लैकआउट भी रिलीज हुई। हाँ, फर्क बस इतना है कि मुंड्रिया थिएटर सेंटर फिल्म है और ब्लैकआउट ODT रिलीज। जहाँ मुंड्रिया एक हॉरर मूवी है, वहीं ब्लैकआउट जस्ट अपोजिट एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। अनिल कपूर व विक्रांत मेसी की अपकमिंग मूवी ब्लैकआउट का रिलीज हो चुका है। विक्रांत मेसी व अनिल कपूर की मूवी ब्लैकआउट का ट्रेलर क्राइम व सस्पेंस से भरपूर है। ब्लैकआउट मूवी आपको हंसाने के साथ साथ सोचने पर कर देगी मजबूर। मूवी में अनिल कपूर कहते हुए नजर आते हैं कि मैं समय हूँ और आज मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम्हारा वक्त मचलने, निकलने व बदलने वाला है। जिसके बाद विक्रांत मेसी को अचानक से खजाना मिल जाता है और विक्रांत कहते हैं कि बादशाह मैं बादशाह, और अचानक से मूवी की कहानी में एक अलग ही मोड़ आ जाता है। चलिए जानते हैं विक्रांत मेसी की मूवी ब्लैकआउट के बारे में और भी बातें। विक्रांत मेसी की चर्चित मूवी ब्लैकआउट आज ODT पर रिलीज की गई। मूवी क्राइम सस्पेंस से भरपूर है। इस मूवी में विक्रांत मेसी की ज़िंदगी तब बदल जाती है जब अचानक से एक रात उनके हाथ खजाना यानी सोने के बिस्किट व पैसे लगते हैं।
जिसके बाद विक्रांत वैसे खुद को बादशाह समझने लगते हैं। लेकिन विक्रांत को नहीं पता है कि ये रात उनकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली और एक नई मुसीबत इनका इंतज़ार कर रही है। विक्रांत वैसे भारी बारिश और पूरे शहर में ब्लैकआउट के बीच गाड़ी चलाते हुए किसी से बात कर रहे हैं। अचानक उसकी कार सोने और पैसे से जा रही है एक मिनी वैन से टकरा जाती है। नैतिक रूप से सही काम करने के बजाय वो उसे चुराने का फैसला करते हैं। हालांकि भागने के दौरान वो अलग अलग लोगों से मिलते हैं जो उसकी स्थिति का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अब इस नई मुसीबत का सामना वो कैसे करेंगे? विक्रांत मेसी, मोनी रॉय, सुनील ग्रोवर और उनके दोस्त बनने चले थे बादशाह मोल ले ली नई मुसीबत। जाने के लिए आपको पूरी मूवी ही देखनी होगी। कॉमेडी, सस्पेंस और साजिश से भरपूर विक्रांत मेसी की मूवी ब्लैकआउट OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है, जिसमें विक्रांत लेनी की भूमिका निभा रहे जो पुणे में अराजकता और लालच की एक रात में फंस गया। लेनी एक क्राइम रिपोर्टर है। विक्रांत मेसी की मूवी ब्लैकआउट में आपको एक नई कहानी देखने को मिलेगी। इस मूवी में कई मज़ेदार लेकिन नाटकीय दृश्य बनते हैं। मनोरंजक दृश्य और तेज गति वाले दृश्य एक मेमोरेबल यात्रा का वादा करते हैं। वहीं मुंज्रा की बात करें तो मुंज्रा की उल्टी गिनती शुरू होते ही नेटिजन्स मूवी से जुड़ी अपनी अनूठी थ्योरी लेकर आए। सोशल मीडिया पर लोगों के एक वर्ग ने मुंज्रा और मैडॉक फिल्म्स की अगली हॉरर कॉमेडी स्त्री 2 के बीच समानताएं बताई। स्त्री 2 में श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति खुराना और अभिषेक बैनर्जी हैं। नेटिजन्स ने मुंज्रा और स्त्री 2 के बारे में अपनी भावनाओं और विचारों को एक्स पर व्यक्त किया, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था। कई लोगों को लगा कि मुंज्रा और स्त्री के बीच एक मजबूत रिलेशन होगा जो संभावित रूप से उनकी मुन्नी हो सकती है। क्या श्रद्धा शहर की रहस्यमयी मुन्नी है? जबकि 7 जून तक सस्पेंस बरकरार है। ये क्रॉसओवर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और ये भी हो सकता है क्योंकि एक इंटरव्यू में फिल्म के निर्देशक आदित्य से वरुण और श्रद्धा के कैमियो रोल होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़ा क्रिप्टिक आंसर भी दिया था और कहा था ये मेरी यूनिवर्स है, कुछ भी हो सकता है, सब कुछ थोड़ी बता दूंगा। 2018 में रिलीज हुई स्त्री बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। सीक्वल 31 अगस्त को रिलीज होने वाला है। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में अभिषेक ने स्त्री के बारे में बात करते हुए कहा, स्त्री 2 भी बड़ी और मज़ेदार होने वाली है। सभी कलाकार अपने किरदारों में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। अपार शक्ति खुराना और श्रद्धा के साथ मुझे बहुत ही मज़ा आया, एक तरह का पूर्ण मिलन था। मैं अपने सह कलाकारों से कह रहा था कि मेरे लिए ये पुरानी यादें ज़्यादा थीं क्योंकि हम चंदेरी की गलियों में उतरे थे। ये मेरी पहली मूवी थी और पहली बार हमेशा खास ही होती है। उन्होंने आगे कहा, हम फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन पर काम कर रहे हैं, VFX में बहुत समय लगेगा। मूवी के निर्देशक अमर कौशिक एक परफेक्शनिस्ट हैं, वो मूवी पर तब तक काम करते हैं जब तक वो इससे खुश नहीं हो जाते। वहीं एक्ट्रेस शर्वरी वाघ, जिन्होंने डांस नंबर किया है फिल्म में जिसका टाइटल ट्रैक है तरस, इस गाने को उन्होंने कंटिन्यूसली 18 आवर्स की प्रैक्टिस में किया था क्योंकि टीम के पास सिर्फ 3 दिन था जो कि एक दिन वोटिंग में ही निकल गया। इतनी टाइट शेड्यूल थी कि मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट डांस की तैयारी ही चल रही थी। मोस्टली ये होता है कि कोई भी डांस है, एक्टर और एक्ट्रेस ने प्रैक्टिस किया और फिर थोड़ी देर रेस्ट कर लिया, लेकिन उन्हें वो भी टाइम नहीं मिल पाया, उनके पूरे पैर सूज गए थे। आफ्टर ऑल शर्वरी ने बेयरफुट ये डांस की प्रैक्टिस की थी, वो भी 18 आवर्स। उन्होंने डांस बेयरफुट एक पथरीली और मिट्टी वाली जगह पर करना था जो कि बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था, जिस वजह से उनके पैर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गए थे। शर्वरी शुरू से ही एक सोलो डांस नंबर देना चाहती थी और अब जब ये मौका उन्हें मिला तो दोनों हाथों से ये चांस उन्होंने लपक लिया। उनका कहना था कि अब जब मन की चीज़ मिली है तो फुल डेडिकेशन और हार्डवर्क के साथ खुद डिवोटेड कर दूँ इसको। और जब ये गाना रिलीज हुआ तो जो रिस्पॉन्स ऑडियंस का मिला उसे शर्वरी के सभी घाव और भी बहुत अच्छे तरह से भर गए क्योंकि उनकी मेहनत रंग लाई। लोग अपना 5-5 मिनट लगा रहे थे उनके गाने पर रील्स बनाकर, विच मीन्स अ लॉट फॉर हर। तो उनके अकॉर्डिंग उनकी स्वेलिंग वर्थ इट रही। वैसे भी शर्वरी रही माधुरी दीक्षित की ढाई हार्ट फैन, तो कुछ तो असर होगा ही ना। शर्वरी माधुरी दीक्षित को अपना प्रेरणा स्रोत मानती हैं, यानी आइडल मानती हैं,
एक्ट्रेस का कहना है कि उनके साथ डांस करने का मौका मिलना ही अब मेरा सबसे बड़ा सपना है। शर्वरी ने कहा, मैं हमेशा से ही माधुरी दीक्षित जी से प्रभावित रही, वो हमेशा मेरे लिए एक बड़ी प्रेरणा स्रोत रही हैं। मैं हमेशा से कथक सीखना चाहती थी, इतने वर्षों से दिल में कथक सीखने की चाहत के बाद आखिरकार मैंने कथक सीखना स्टार्ट किया। जब भी मैं उनके गाने इंस्टाग्राम पर स्निपेट्स या डांस शो देखती हूँ तो कथक सीखने के लिए गूगल पर कथक टीचर्स की तलाश करने लगती हूँ। वो मेरी आदर्श रही हैं और आशा करती हूँ कि किसी ना किसी दिन मुझे उनके साथ नाचने का मौका मिलेगा और ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। शर्वरी ने आगे कहा, मुझे लगता है कि एक एक्टर के तौर पर आप इतनी अलग अलग भूमिकाएं निभाते रहते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है कि क्या आपके काम आने वाला है, लेकिन एक अलग डांस शैली को सीखना हमेशा आपके हाथ में होता है। डांस सीखने से शरीर में एक आभा और एक लय दोनों आते हैं। मेरे लिए कथक सही मायने में माधुरी दीक्षित के प्रति मेरे प्यार में उपजा है। मैं कथक अच्छे से सीखना चाहती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने उन्हें बेहद खूबसूरती से परफॉर्म करते हुए देखा है। ये कुछ ऐसा है जो मैं सिर्फ इसलिए करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मैं उनसे बेहद प्रभावित हूँ। इससे साफ जाहिर होता है कि शर्वरी वाकई टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक है जो अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर टॉप नॉच पर खड़ी हैं। वहीं मूवी के दूसरे गाने की मेकिंग की बात करें तो अगर आप भेड़िया के प्रेम गीत अपना बना ले और ज़रा हटके ज़रा बचके के फिर और क्या चाहिए कि सफलता के बाद निर्माता दिनेश विजान, गायक गीतकार अरिजीत सिंह, गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार सचिन जिगर एक बार फिर एक और हिट प्रेम गीत देने के लिए साथ आए। तरस के रिलीज होने के बाद श्रोता इस हॉरर कॉमेडी के दूसरे गाने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे जो चर्चा में है। अगर आपने कभी किसी से प्यार किया है और उसे ये नहीं बता पाए कि आप उससे कितना प्यार करते हो तो इससे बेहतर कोई गाना ही नहीं है। सभी अव्यक्त और अप्रतिफल प्रेम के लिए ये गाना आपके लिए है। तेनू खबर नहीं को अमिताभ भट्टाचार्य के बोलों के जरिए बेहतरीन तरीके से बनाया गया और इसे सबसे बहुमुखी कलाकार अरिजीत सिंह ने गाया है। अपने अनूठे आकर्षण के साथ ये गीत श्रोताओं को बिना किसी स्वीकृति के प्यार की दिल को छू लेने वाली यात्रा पर ले जाने का वादा करता है। विपुल संगीतकार सचिन जिगर कहते हैं, अपना बना ली और फिर और क्या चाहिए गाने काफ़ी चर्चित हुए और अब इस बार हम ऐसा गाना बनाए हैं जो पहले बिना स्वीकार किए प्यार की खूबसूरती को जश्न मनाएगा। आपके पेट में तितलियाँ यानी बटरफ्लाइज, घबराहट की आशंका और किसी खास के लिए अपनी भावनाओं को जानने की खुशी, तेनू खबर नहीं के साथ हम उन भावनाओं को जगाने और श्रोताओं को युवा और पहले प्यार की मिठास की याद दिलाने की उम्मीद करते हैं। वहीं फिल्म के राइटर नीरेन भट्ट के अकॉर्डिंग अगर आप जानोगे कि मुंजिया कौन है तो भट्ट ने प्रकाशन को बताया वो एक राक्षस है लेकिन एक बच्चा है क्योंकि वो कम उम्र में ही मर गया। वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोगों को परेशान करता है और आमतौर पर शादी करना चाहता है। मुंजे आमतौर पर दुर्भावनापूर्ण नहीं होते, बस किशोर छोटे उपद्रवी होते हैं। उन्हें पेड़ों के नीचे खड़े लोगों पर पत्थर फेंकना, उन्हें तंग करना बहुत ही पसंद होता है। जून महीने में ओटीटी प्लेटफॉर्म से लेकर थिएटर्स तक धूम मचने वाली है। इस महीने एक से बढ़कर एक मूवीज़ ओटीटी और सिनेमा घरों में रिलीज़ होगी जिससे आपका पूरा महीना मनोरंजन से भरपूर होगा। आइए आज हम आपको उन 7 फिल्मों के बारे में बताते हैं जो जून में रिलीज़ होगी। मुंजिया डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध होगी जो अपने नाच के डेब्यू के लगभग 2 महीने के बाद ओटीटी पार्टनर के रूप में काम करेगी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यापक दर्शकों को मनोरंजन प्रदान करेगी और मुंजिया मूवी सिनेमाघरों में 7 जून को रिलीज़ होगी। आदित्य सरपोतदार के डायरेक्शन में बनी मूवी मुंजिया एक हॉरर कॉमेडी मूवी है। इसमें मुंजिया एक ऐसा नया प्राणी होता है जो अपनी हरकतों से डर पैदा करता है। मूवी ब्लैकआउट ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर 7 जून को रिलीज़ होगी। देवांग शशीन भावसार के डायरेक्शन में बनी इस मूवी में विक्रांत मिसी, सुनील ग्रोवर और मोनी रॉय जैसे कलाकार शामिल हैं। इस कॉमेडी थ्रिलर मूवी की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चंदू चैम्पियन सिनेमाघरों में 14 जून को रिलीज़ होगी। कबीर खान के डायरेक्शन में बनी ये मूवी एक स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी है जो भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण
पदक विजेता मुरलीकांत पेटकर की जिंदगी पर आधारित है। इसमें उनका किरदार कार्तिक आर्यन निभा रहे हैं। आमिर खान की बेटी जुनैद खान की पहली मूवी महाराज नेटफ्लिक्स पर 14 जून को आएगी। सिद्धार्थ पी मल्होत्रा के डायरेक्शन में बनी मूवी महाराज की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। ये मूवी महाराज मानहानि मामले के इर्द गिर्द घूमती है। इश्क विश्क रिबाउंड मूवी सिनेमाघरों में 21 जून को रिलीज होगी। निपुण धर्माधिकारी के डायरेक्शन में बनी मूवी ऋतिक रोशन की बहन परमीना रोशन, रोहित सरफ, नैला ग्रोवल और जबरान खान मुख्य भूमिका में हैं। चार युवा लोगों की जिंदगी पर आधारित मूवी में दोस्ती और प्यार दिखाया गया है। लव की अरेंज मैरिज ओटीटी प्लेटफॉर्म जी फाइव पर 14 जून को रिलीज होगी। इशरत आर खान के डायरेक्शन में बनी इस मूवी में अवनीत कौर, सनी सिंह, सुप्रिया पाठक और अनु कपूर जैसे कलाकार शामिल हैं। कल की टू वेट 988 सिनेमाघरों में 27 जून को रिलीज होगी। नाग अश्विन के डायरेक्शन में बनी इस मूवी में साइंस फिक्शन का तड़का है। मूवी में प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, कमल हसन और दिशा पाटनी जैसे कलाकार शामिल हैं। मुंशिया का प्रमोशंस हर प्लेटफॉर्म पर जोरों शोरों से हो रहा है। अभिनेत्री शर्वरी वाघ ने एक आकर्षक लाल पोशाक में डेट नाइट गोल्स को पूरा किया। एक आकर्षक लाल रंग के आकर्षण को मात देने वाली कोई चीज़ नहीं और विश्वास कीजिए कि शर्वरी वाघ अपने हालिया शानदार लाल नंबर में आपका सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर ही लेंगी। वर्तमान में अपनी आगामी मूवी मुंजिया के प्रचार में वो बिजी हैं। अभिनेत्री मनोक्रोम के नियमों को फिर से परिभाषित करने में सुनिश्चित हो पा रही हैं। अपने नवीनतम रूप के लिए उन्होंने एक स्ट्रैपलेस रोसेट कॉर्सेट टॉप को फिगर ग्रेजिंग स्कर्ट के साथ पहना है, जो एक जादुई मोनोक्रोम लुक बनाने के लिए एकदम सही था। क्रॉसेट के बिस्टेर पर रोसेट रफल्स की बदौलत लाल पोशाक आकर्षक है। स्लिंकी फिट के साथ बस्टियर्स का संतुलन एकदम सही है। कम से कम कहीं तो अपने सिग्नेचर विंग्ड आईलाइनर और ग्लैम और खुले बालों के साथ उन्होंने सुंदरता के खेल में भी महारत हासिल की। ये कहना गलत नहीं होगा कि शर्वरी वाह की स्टाइल सेंसिबिलिटी हमेशा ही बेहतरीन होती है। उनका शानदार फैशन गेम उनके कूल गर्ल स्टाइल के साथ और भी बेहतर हो रहा है। इससे पहले अभिनेत्री ने एक शानदार बैकलेस बॉडीकॉन ड्रेस में गर्मी मौसम में चार चांद लगा दिए थे। हरे रंग की ड्रेस में पेस्टल डिटेल्स और एक असमित हेम लाइन थी। इस ड्रेस की बैकलेस पैटर्न ने उनके पूरे पहनावे में एक अलग ही आकर्षण भर दिया। प्रमोशन के चक्कर में पूरी टीम एक साथ कमर तोड़ मेहनत कर रही है। मूवी की स्टार कास्ट मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे। इस दौरान सभी स्टार्स काफ़ी सिंपल और देसी लुक में नजर आए। सबसे पहले बात करते हैं शर्वरी वाघ की। बाकी स्टारकास्ट और मूवी निर्माताओं के साथ सिद्धि विनायक मंदिर आशीर्वाद पहुंची शर्वरी लाइट कलर के पर्पल सूट में नजर आई। इस दौरान एक्ट्रेस पर्पल कुर्ते के साथ मैचिंग धोती के साथ गले में दुपट्टे के साथ साथ भगवान का पटका डाली नजर आई। साथ ही उनके हाथ में पूजा की थाली नजर आ रही है। एक्ट्रेस लाइट मेकअप के साथ बंधे बालों में नजर आई। टीवी इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वाली मोना सिंह भी इस दौरान हर रंग के कुर्ते के साथ व्हाइट प्लाजो और गले में दुपट्टे के साथ भगवान का लाल पटका पहने नजर आ रही। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस हल्के मेकअप के साथ बंधे बालों में पोज देती भी नजर आई। साथ ही उनके हाथ में पूजा की थाली नजर आ रही है। मोना सिंह का ये सिंपल लुक फैंस को बेहद पसंद आ रहा है। साथ ही फैंस उनकी इस मूवी की रिलीज का वेट भी कर रहे हैं। मूवी में मुंजिया के चुंगुल में फंसे अभय वर्मा भी इस दौरान अपनी टीम के साथ पोज देते नजर आए। इस दौरान एक्टर ब्लू कलर की शर्ट के साथ व्हाइट जींस और व्हाइट शूट कैरी कर रहे नजर आए। साथ ही उनके गले में भी लाल पीले रंग का भगवान का पटका और चेहरे पर स्माइल नजर आ रही है। अपने इस लुक को लेकर अभय अपने फैंस के बीच छा गए हैं। उनके इस लुक और स्टाइल को फैंस बेहद प्यार दे रहे हैं और उनको बड़े पर्दे पर देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड भी हैं। मुंजिया के अलावा ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जो लोक कथाओं पर बनी हैं। भारतीय फिल्मों की क्वालिटी को लेकर गाहे बगाहे कई सारी बातें होती ही रहती हैं। हम अधिकतर मामलों में भारतीय फिल्मों को बॉलीवुड से जोड़ कर देखते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये समझ आ गया है कि देश के अलग अलग राज्यों में अगर फिल्मों को देखा जाए तो उनकी क्वालिटी और उनकी कहानी दोनों ही किसी से कम नहीं है।
पिछले कुछ समय में अलग अलग भाषाओं पर बनी फिल्में दुनिया भर में नाम कमा रही है। और हाल ही में कांतारा मूवी की तारीफ बहुत ही ज़्यादा की जा रही थी। ये एक फोकलोर यानी लोक कथा पर आधारित मूवी है और इसकी कहानी से लेकर इसकी सिनेमेटोग्राफी और इसकी एक्टिंग को लेकर बड़े बड़े क्रिटिक्स भी हैरत में पड़ गए हैं। पर कांतारा अकेली नहीं है जो किसी लोक कथा पर आधारित है। कई ऐसी भारतीय फिल्में रही हैं जो न सिर्फ लोक कथाओं पर आधारित रही हैं बल्कि बहुत ही ज़्यादा फेमस भी रही है। उनकी कहानियाँ लोगों को बहुत पसंद आई। तो चलिए आपको बताते हैं उन्हीं फिल्मों के बारे में। जैसा कि हमने बताया, कांतारा फिल्म बहुत ही ख़ास है। कर्नाटक राज्य के भूताकोला फेस्टिवल के बारे में बताया गया है जो देवा नामक भगवान के लिए मनाया जाता है। इस पूरी मूवी में स्थानीय भूम माफिया सहित कई चीज़ें ऐड की गई है जो इस मूवी को पूरा पैकेज बनाती है। फिर आता है तुनबार। इस मूवी ने कई लोगों को चौंका दिया था क्योंकि इसकी कहानी से लेकर इसमें काम करने वाले एक्टर्स की एक्टिंग और सिनेमेटोग्राफी सब कुछ बेमिसाल थी। इसमें महाराष्ट्र की लोक कथा का जिक्र किया गया है। ये कहानी हस्तर नामक एक पौराणिक देव के बारे में। अगर आपने तुम्बार मूवी नहीं देखी है तो उसे देखें ज़रूर। राजस्थान की लोक कथाओं पर बेस्ड अमोल पालेकर की मूवी एक ऐसी कहानी पर आधारित है जिसमें एक भूत को एक महिला से प्यार हो जाता है। और ये मूवी मणि कोल की मूवी दुविधा से प्रेरित है। इस कहानी पर पहले भी कई सारी फिल्में और प्ले बन चुके हैं। 2016 में आई मूवी मिर्ज़िया पंजाबी लोक कथा का अडॉप्टेशन है जिसमें मिर्ज़ा और साहिबान की कहानी बताई गई है। हालांकि इस मूवी का नरेशन काफ़ी अलग है लेकिन इसके लुक्स और इसकी कहानी पर काफ़ी काम किया गया है। इस मूवी को ड्रीमी सीक्वेंस में फिल्माया गया है। इसकी झलक आपको इसके ट्रेलर से ही मिल जाएगी। विक्रम और बैताल की कहानी हम सभी ने सुनी होगी। ये मूवी उसी धारणा पर बनाई गई है। सिर्फ हाल ही में रिलीज हुई विक्रम वेधा ही नहीं, इसी नाम से 2017 में बनी तमिल मूवी भी इसी कहानी का हिस्सा है। इसमें पुलिस ऑफिसर विक्रम गैंगस्टर वेधा को पकड़ने की कोशिश में लगा रहता है। वेधा उसकी जगह उसे तीन कहानियां सुनाता है जिसमें अच्छाई और बुराई की बात होती है। 2013 में आई बकीता बयाकिता गातो कुछ सबसे बेहतरीन बंगाली फिल्मों में से एक मानी जाती है जिसने नेशनल अवार्ड जीता था। ये एक फिल्म मेकर की कहानी है जो एक गांव में सच्चे प्यार को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने गया था। बुलबुल मूवी सिनेमेटोग्राफी के मामले में बहुत ही अच्छी मानी जा सकती है। ये मूवी बंगाली लोक कथा पर बेस्ड है जो एक महिला के भूत और माँ काली के रूप का जिक्र करती है। इसमें बंगाल का फोक म्यूजिक भी इस्तेमाल किया गया है। जली कट्टू इवेंट पर आधारित मूवी जली कट्टू ने रिलीज़ के बाद ही बहुत ही वाहवाही बटोरी थी और उतनी ही ज़्यादा इसे लेकर विवाद भी हुए थे। ये मूवी एक माओवादी पर आधारित है और इसमें एक बैल को अहम रोल दिखाया गया। पूरा गांव किस तरह से एक बैल के पीछे पड़ जाता है उसका जिक्र इस स्टोरी में किया गया है। 2021 में आई मूवी चुरली जंगल के ऊपर बेस्ड है और उसमें रहने वाले बेहद ख़राब राक्षस की बात पूरी मूवी में होती है। इस मूवी में न सिर्फ राक्षस हैं बल्कि टाइम लूप और कई ऐसे पेच हैं जो इसे एक मास्टरपीस बनाते हैं। ये पूरी तरह से रीजनल कथाओं पर बेस्ड है। इसके अलावा स्त्री जैसी यूनिक मूवी भी चंदेरी के आसपास के इलाकों की लोक कथाओं पर बेस्ड है। भारतीय रीजनल सिनेमा में कई ऐसी फिल्मों का जिक्र होगा जो आपको बहुत पसंद आ सकता है। वहीं मिडॉक फिल्म्स के जो करता धरता हैं उन्होंने भी ये कहा है कि वो इसी तरह की फिल्में आगे भी लाएंगे। मनी कंट्रोल ने मुंजा के निर्देशक आदित्य सरपोतदार से बातचीत की और एक मुक्तक बातचीत में उन्होंने बताया कि कैसे स्त्री और मुंजा के बीच तुलना की जाएगी क्योंकि वे एक ही शैली है और एक ही प्रोडक्शन हाउस मैडॉक फिल्म से हैं। उन्होंने ये भी बताया कि किसी अभिनेता को कृत्रिम अंग पहनने और भूमिका निभाने के बजाय उन्होंने AI जनरेटेड किरदार क्यों चुना। साक्षात्कार में ये सब और भी बहुत कुछ बातचीत हुई है। मुंजा एक हॉरर कॉमेडी शैली की मूवी है स्त्री की सफलता के साथ। आपको क्या लगता है कि लोग इस मूवी से क्या उम्मीद करेंगे?
इस पर आदित्य कहते हैं, मुझे लगता है कि मुंजिया मेरे बहुत करीब है क्योंकि मैं कोंकण क्षेत्र में पला बड़ा हूँ। इसलिए मेरा मानना है कि जब हम स्त्री बनाते हैं जो कर्नाटक के किसी खास अख्यान या लोककथा से आती है और इसे मूवी में बनाया जाता है तो ये लोगों से जुड़ जाती है। स्त्री के लिए जो सबसे ज़्यादा कारगर रहा वो ये था कि ये एक बहुत ही जड़ से जुड़ी, मिथिक से जुड़ी थी और मुझे लगता है कि यही बात मुंजिया के लिए भी सच है। मुझे लगता है कि भले ही वे दो अलग अलग कहानियाँ हों लेकिन उनमें एक बहुत ही बड़ी समानता है कि वे बहुत ही जड़ से जुड़ी हुई है और भारतीय ऑडियंस से बहुत ही ज़्यादा जुड़ी हुई है क्योंकि वे भारत की संस्कृति और लोगों की आस्था प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है। मुझे लगता है कि कहानी कहने के मामले में वे इतने अलग हैं कि उनमें समानताएं खींची जा सकती है लेकिन मुंजिया शैली के संदर्भ को निश्चित रूप से स्त्री के रूप में देखा जाएगा। निश्चित रूप से वे एक प्रोडक्शन से आते हैं इसलिए लोगों को उम्मीद है कि ये स्त्री जितनी ही अच्छी होगी। एक तरह से ये हमारे लिए अच्छा है क्योंकि जब हम मैडॉक बैनर के तहत इस शैली में कोई मूवी बनाते हैं तो लोग एक निश्चित गुणवत्ता से जुड़ जाते हैं जो इन सभी वर्षों में अब तक पेश की गई है। हमें उस तरह की गुणवत्ता देने की ज़रूरत भी है और यही चुनौती रही है और यही वो है जिसे हम आगे बढ़ाने की ज़रूरत में है। लेकिन एक तरह से ये बहुत अच्छा है कि हमें मैडॉक द्वारा बनाई गई फिल्मों में से एक माना जाता है और इससे मुंजिया के लिए ख़ास चर्चा पैदा करने में मदद मिलती है। समानताएं खींची जाएंगी क्योंकि एक ख़ास तरह का फैन थ्योरी है मैडॉक की अपना खुद का हॉरर यूनिवर्स बना रहा है और मुझे लगता है कि उस समय लोग समानताएं खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मुंजिया स्त्री से संबंधित है और कैसे स्त्री भेड़िया से रिलेटेड है और कैसे भेड़िया मुंजिया से संबंधित है। इस तरह के सिद्धांत बनाए जा रहे हैं और ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि लोग वास्तव में इन विचारों में निवेश कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जब मुंजिया रिलीज होगी तो लोग देखेंगे कि ये कैसे जुड़ा हुआ है और कैसे नहीं। वैसे आपने मूवी के लिए पहला कंप्यूटर जनरेटेड पात्र मुंजिया तैयार किया है तो ये अवधारणा आपके दिमाग में कैसे आई, ये भी सवाल पूछा गया आदित्य से। तो उन्होंने कहा, जब हमने मुंजिया के लिए सोचा तो एक अभिनेता को कास्ट करने का, उस पर प्रोस्थेटिक लगाने का और उसे अभिनय करवाने का विकल्प था लेकिन हमने उस रास्ते पर न जाकर पूरी तरह से CGI का रास्ता चुना क्योंकि मैं चाहता था कि मुंजिया एक ख़ास तरीके से चले और व्यवहार करे जो मानव जीवन से बहुत ही परे हो। जिस तरह से वो पेड़ पर रहता है और एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता है और जो कुछ भी करता है उसके लिए मुझे कुछ लचीलेपन की आवश्यकता थी और हॉलीवुड फिल्मों में बहुत सी चीज़ें की जाती हैं लेकिन भारत में नहीं कभी की जाती। फिर मैंने देखा कि अमेरिका में बहुत सारी फिल्में बनती हैं लेकिन भारत में कोई नहीं बनती। लेकिन हमने भारत में CGI जीवों को बहुत देखा है लेकिन कभी इंसानों को डायलॉग्स बोलते और CGI से आए जीवित अभिनेताओं के समान जीवित जीते नहीं देखा। हमें ये भी लगा कि मुंजिया की कहानी बताने में ये अनूठा हो सकता है और हाँ, चुनौतियाँ बहुत थी लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी हमें अपनी कहानियों को बताने के लिए सीमा को आगे बढ़ाने और अधिक तकनीक लाने और दुनिया में फिल्में बनाने के तरीके को अपनाने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। हमें खुद को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और सही दृष्टिकोण और सही रास्ता है। ये बहुत ही चैलेंजिंग है और इसके लिए टेक्नीशियंस की एक बहुत अच्छी टीम की आवश्यकता होती है जो ये जानती हों कि इसे कैसे करना है। हमें DNEG नामक एक कंपनी मिली जो VFX के लिए एक बहुत ही फेमस कंपनी है। उन्होंने बैटमैन से लेकर जस्टिस लीग और सुपरमैन तक बहुत सारी हॉलीवुड फिल्में बनाए रखी है इसलिए हमने उस टीम को शामिल किया और उन्होंने इस मुंजिया को निष्पादित करने में हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद की है। महामारी के बाद की दुनिया में दिनेश विजान बॉक्स ऑफिस पर लगातार सरप्राइज हिट देने में लगे हुए, चाहे वो जरा हटके जरा बचके हो या तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया हो। इसे भारत में पेन मरुधर द्वारा रिलीज किया जा रहा है और वितरक इसे अपेक्षाकृत व्यापक रिलीज दे रहे हैं। शुरुआती रुझानों के अनुसार मुंजिया भारत में 1600 स्क्रीन्स पर रिलीज हो रही है जिसमें शाम और रात के शो पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
थर्सडे की सुबह अग्रिम बुकिंग शुरू हुई और प्रतिक्रिया उम्मीद से बेहतर रही। थर्सडे शाम 7 बजे तक मुंट्रियल ने शीर्ष 3 राष्ट्रीय श्रृंखलाओं PVR, आईनॉक्स और सिनेपोलिस में अकेले शुरुआती दिन के लिए लगभग 12,000 टिकट्स बेच रहे हैं। ये मुंट्रियल द्वारा गुरुवार को शीर्ष 3 मल्टीप्लेक्स में मध्य रात्रि के शो के लिए बेचे गए 3,000 टिकट्स के लिए अतिरिक्त हैं। अब तक की अग्रिम बुकिंग से 1.75 crore के आसपास की शुरुआत का संकेत मिलता है और अगर मध्य रात्रि की स्क्रीनिंग की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो ये 2 crore रुपए की संख्या को भी पार कर सकती है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि मूवी मैक्स ने भी पहले दिन 500 टिकट्स बेचे हैं, जो गैर राष्ट्रीय श्रृंखलाओं में आंदोलन के संबंध में फिर से एक उत्साहजनक संकेत है। हॉरर कॉमेडी शैली को हमेशा सही ट्रेलर के साथ बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस मिले और मुंट्रियल के साथ निर्माता और निर्देशक अपने ऑडियंस के साथ सही तरीके से विषय वस्तु का संचार करने में कामयाब रहे हैं। मुंट्रियल जैसी गैर स्टारकास्ट फिल्म के लिए रुचि है और ये हमेशा निर्माताओं के लिए एक प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि ये उन्हें सही विषय वस्तु के साथ मूवी को पैकेज करने के लिए पंख देता है, जो ऑडियंस को और भी ज़्यादा उत्साहित और एक्साइटेड करता है। प्री सेल्स एक इंटरेस्टिंग टीजर और ट्रेलर का नतीजा है और अब नज़रें डिलीवर करने के लिए कंटेंट पर है, क्योंकि वीकेंड पर कारोबार में बड़ी बढ़त की काफ़ी गुंजाइश है। मुंट्रियल के लिए एक और बड़ा प्लस प्राइसिंग है, क्योंकि प्रदर्शक और वितरक सबसे प्रीमियम प्रॉपर्टी में भी फीचर फिल्म के लिए नाममात्र की कीमत सुनिश्चित करने के लिए एक साथ आए हैं। पिछले हफ्ते मिस्टर और मिसेस माही और अब मुंट्रियल एक बार फिर से ऑडियंस के बड़े समूह के लिए मूवी का नमूना लेने के लिए सही कीमत पाने के लिए महत्व पर जोर दे रहे हैं। अब सबकी नज़र मुंट्रियल के पहले दिन के कारोबार पर है। वहीं अगर इस यूनिवर्स की सबसे पहली मूवी यानी स्त्री की बात करें तो ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श की रिपोर्ट के मुताबिक स्त्री ने पहले दिन 6.82 crore की कमाई कर ली थी। तरण ने ट्वीट कर लिखा था, जब आंकड़े बात करते हैं स्त्री की कमाई कयासों और अनुमानों से कहीं ऊपर निकल गई और पहले दिन इसने दमदार बिजनेस किया। बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट्स के मुताबिक स्त्री ने 4 हफ्तों में 120.93 crore की कमाई कर ली थी। वहीं 100 crore में शामिल होने वाली स्त्री साल 2018 की 9th मूवी थी। मैडॉक की अगली सीरीज वरुण धवन और कृति सानन स्टारर भेड़िया सिनेमाघरों में 25 नवंबर 2022 को रिलीज हुई थी। आंकड़ों के अनुसार भेड़िया ने ओपनिंग डे पर सभी भाषाओं में लगभग 7.50 crore के करीब का बिजनेस किया था। वरुण धवन की इस मूवी ने सुबह से शोज में 30% ऑक्यूपेंसी दर्ज की थी। पहले हफ्ते में भेड़िया ने 50 crore का कलेक्शन किया था। वहीं अब मुंट्रियल का कलेक्शन पर सभी के निगाहें टिकी हुई हैं। मुंट्रियल मूवी के ट्रेलर रिलीज ने सभी सुपर नेचुरल हॉरर कॉमेडी फिल्मों के प्रशंसकों को एक राहत की सांस दी थी कि फाइनली इतने लंबे समय के बाद इस जॉनर में एक अच्छी मूवी आ रही है। मूवी के ट्रेलर को लोगों का बहुत प्यार मिला था। फिल्म मुंट्रियल हास्य और डर का बहुत ही सुंदर मिश्रण है, जो जेन जेड बच्चों और पूरे परिवार के लिए एक बहुत ही रोमांचक एक्सपीरियंस होने वाला है। मूवी की कहानी 1952 में शुरू होती है, जब एक युवा ब्राह्मण लड़का मुन्नी नाम की एक लड़की से प्यार में पूरी तरह से डूब जाता है। लेकिन उसका परिवार इस प्यार का समर्थन नहीं करता। जब उसकी माँ को इसके बारे में पता चलता है तो वो उसे कठोरता से सजा देती है और उसे खतरनाक अनुष्ठान में शामिल होने के लिए मजबूर कर देती है। प्यार के प्रेरणा से लड़का जंगल में एक जोखिमपूर्ण अनुष्ठान की कोशिश करता है, उम्मीद करते हुए कि वो मुन्नी के साथ अपनी शादी को सुरक्षित कर पाएगा। लेकिन ये अनुष्ठान भयानक तरीके से गलत हो जाता है। लड़के की दुखद मौत हो जाती है और उसका परिवार उसे उसी पेड़ के नीचे दफना देता है जहाँ यह अनुष्ठान हुआ था। इसके बाद कहानी आज के समय में पुणे में पहुँचती है, जहाँ बिट्टू यानी अभय वर्मा एक शर्मीला लड़का कॉस्टमोलॉजी का छात्र अपनी माँ पम्मी यानी मोना सिंह और दादी के साथ रहता है। अब
अपने शांत स्वभाव के बावजूद बिट्टू बेला यानी शर्वरी के लिए गहरी भावनाएं रखता है, लेकिन उन्हें व्यक्त करने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है बिट्टू को। जब उनके पैतृक गांव में एक शादी के दौरान पुराने पारिवारिक रहस्य सामने आते हैं तो पम्मी की अनिच्छा और दादी के छिपे हुए डर सामने आने लगते हैं, खासकर चेतुक बाड़ी के बारे में जहां मुंजिया की उत्पत्ति हुई थी। बिट्टू के चाचा खतरनाक राज खोलते हैं, दादी वो लड़की है जिसने अनजाने में अपने भाई को दुष्ट आत्मा मुंजिया में बदल दिया था। ये सच जानकर बिट्टू को एक डरावनी ताकत का सामना करना पड़ता है जिसके परिणाम स्वरूप उसकी दादी की मौत हो जाती है। अब मुंजिया बेला को अपना निशाना बनाता है और बिट्टू को मुन्नी का पता लगाकर आत्मा को खुश करने का एक तरीका खोजना होता है। मुन्नी और कोई नहीं बल्कि बेला की दादी है। एक भूत भगाने वाले की मदद मांगते हुए बिट्टू बेला को मुंजिया के चाल से बचने के प्रयास में लग जाता है। मूवी की कहानी का पूरा साथ दिया है मूवी की कास्ट ने, सभी ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किए हैं। अभय वर्मा और मोना सिंह ने विशेष रूप से उल्लेखनीय अभिनय किया है। अलौकिक जाल में फंसी प्रेमिका के रूप में शर्वरी ने कमाल कर दिखाया और सत्यराज ने ज्ञानी भूत भगाने वाले के रूप में अपनी दमदार परफॉर्मेंस दी है। मूवी में CGI किरदार मुंजिया काफ़ी उल्लेखनीय है जो मूवी की दुनिया में सहजता से घुल मिल गया है। इसका डिज़ाइन शानदार है जो कहानी में विस्मय और आश्चर्य की एक परत जोड़ता है। स्क्रीन पर मुंजिया की उपस्थिति आपको डराती भी है और हंसाती भी है। कॉमेडी और हॉरर के अपने सहज मिश्रण के साथ मुंजिया एक ऐसी सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है जो कि आपको अलग ही दुनिया में ले जाएगा। और ये केवल जेन जेड बल्कि सभी उम्र के ऑडियंस का मनोरंजन करेगा। मूवी के गाने पहले से ही ऑडियंस की जुबा पर छाए हुए हैं। तरस नहीं आया तुझको जैसा आकर्षक पार्टी नंबर और तेनू खबर नहीं जैसा भावपूर्ण रोमांटिक गाना दोनों ने ही ऑडियंस के दिलों में जगह बना ली। मूवी का बैकग्राउंड स्कोर रहस्य और कॉमेडी के तत्वों को एक साथ पिरोता है जिससे एक अनूठा माहौल बनता है जो ऑडियंस को अपनी सीटों से बांधे रखता है। श्रद्धा कपूर हॉरर कॉमेडी मुंजिया की खूब तारीफ करी है। अभिनेत्री गुरुवार शाम को मुंबई में मैडॉक प्रोडक्शन की आगामी मूवी की स्क्रीनिंग में शामिल हुई। स्क्रीनिंग के बाद घर जाते समय उन्होंने मूवी की सकारात्मक समीक्षा भी साझा की। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें मूवी पसंद आई तो श्रद्धा ने मराठी में पेपराजी से कहा, मस्त, बहुत मज़ा आ गया। स्क्रीनिंग से बाहर निकलते ही श्रद्धा को पेपराजी के साथ मस्ती करते हुए भी देखा गया। आप लोगों को नींद नहीं आती क्या, श्रद्धा ने फोटोग्राफर से पूछा जिन्होंने स्क्रीनिंग के बाद उनकी तस्वीरें भी खींची। हम आपका इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने प्यार से जवाब दिया। मैडॉक सुपर नेचुरल यूनिवर्स की शुरुआत राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टार स्त्री से हुई जिसने बॉलीवुड में हॉरर कॉमेडी के लिए एक मिसाल कायम किया। मुंजिया में हमें स्त्री 2 के यूनिवर्स से जोड़ा जाएगा। कुछ दिनों पहले पंकज त्रिपाठी ने इसे जुड़ा हिंट दिया था। अब एक्टर अभिषेक बैनर्जी ने स्त्री 2 पर बहुत ही बढ़िया अपडेट दिया है। अभिषेक ने स्त्री में जाना का रोल निभाया था, वो विक्की यानी राजकुमार राव के दोस्त बनी थी जिन्हें स्त्री उठा ले जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में अभिषेक ने बताया कि स्त्री 2 फिलहाल प्रोडक्शन स्टेज पर है। उन्होंने कहा, स्त्री 2 इस बार बहुत बड़ी और डबल फनी होने वाली है। सभी एक्टर्स अपने अपने किरदार में घुस चुके हैं। मुझे अपार शक्ति खुराना और श्रद्धा कपूर के साथ इस बार भी काम करने का बहुत मज़ा आया। इसकी शूटिंग बिल्कुल रीयूनियन जैसी थी। मैंने अपने सभी को एक्टर्स से कहा कि मेरे लिए चंदेरी में फिर से शूट करना किसी नॉस्टैल्जिया से कम नहीं। इसमें मैं पहली बार कोई अहम रोल कर रहा था और पहली बार कुछ भी हो वो हमेशा ही स्पेशल होता है। अभिषेक ने आगे बताया, हम लोग मूवी की पोस्ट प्रोडक्शन पर भी काम कर रहे हैं। इसके VFX में सबसे ज़्यादा समय लगेगा। मूवी के डायरेक्टर अमर कौशिक परफेक्शन पर बहुत ही ध्यान देते हैं। वो तब तक मूवी पर काम करते रहेंगे जब तक वो खुद उससे खुश नहीं होंगे। पिछले साल श्रद्धा कपूर ने जुलाई में जानकारी दी, बताया था कि मूवी की शूटिंग शुरू हो चुकी है। साथ ही ये भी बताया था कि इस साल यानी अगस्त 2024 में इसे रिलीज़ किया जाएगा।
अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही इसका टीजर या पोस्टर भी रिलीज किया जाएगा। तो अभी मुंजे आई है, उसमें स्त्री टू से कनेक्ट किया जाएगा और उसके बाद स्त्री टू को अगस्त में देख सकेंगे। स्त्री ऑलरेडी हिट मूवी थी और मुंजिया के थ्रू मेकर्स ये समझ जाएंगे कि उनकी मूवी में अगर ज़रा सी भी कोई कमी है और कहीं पर कुछ लाग कर रहा है तो वो स्त्री टू में वो भरपाई कर देंगे। चांसेस है कि स्त्री टू का टीज़र हमें मुंजिया में ही देखने को मिले, जहाँ मुंजिया को हंसाएगी डराएगी, वही सेम चीज़ स्त्री टू में भी हमें श्रद्धा करने वाली हैं, वो भी हमें हंसाएंगी और रुलाएंगी। वैसे तो दिनेश विजान और अमर कौशिक द्वारा प्रोड्यूस मुंजिया कॉमेडी और हॉरर का एक ताज़ा मिश्रण है। एक रोमांचक हंसी से भरे रोमांचक के लिए तैयार हो जाइए, जो गर्मियों के उदास मूड को दूर करने के लिए एकदम परफेक्ट है। लोक कथाओं पर आधारित फिल्में इसलिए पसंद की जाती हैं क्योंकि वे स्थानीय अनुभव को लेकर उसे सार्वभौमिक बनाती हैं। ऋषभ शेट्टी की कांतारा में भूत कोला परंपरा या तुम्बाड 2018 में राक्षस भगवान हेस्टर की किंवदंती के बारे में सोचें। दोनों फिल्मों को पूरे भारत के ऑडियंस ने प्यार दिया, जिससे साबित हुआ कि हाइपर लोकल कहानियों को जब सही तरीके से बताया जाता है तो ये ग्लोबल लेवल पर इसे प्यार मिलता है। आदित्य सरपोदार द्वारा निर्देशित और स्त्री और भेड़िया जैसी ही दुनिया पर आधारित मुंजिया कोंकण लोककथा में एक नामचीन बाल दानव व सर राक्षस की कहानी है, जो कम दुष्ट अधिक शरारती है। मराठी में मुंजिया एक पारंपरिक समारोह को रिलेट करता है जो लड़के के छात्र चरण की शुरुआत को चिन्हित करता है। इसके बाद सोर मुंजिया होता है जो छात्र चरण के अंत और विवाहित जीवन की शुरुआत को चिन्हित करने वाला समारोह है। यदि कोई बच्चा अपने सौर मुंजिया समारोह से पहले मर जाता है तो वो मुंजिया का रूप ले लेता है, एक भूत जो पीपल के पेड़ों और कुओं के पास होता हो। मूवी का आधार मजबूत है और योगेश और लेखक नरेन भट्ट द्वारा किए गए ठोस शोध पर आधारित है। मुंजिया मूल रूप से एक ऐसे बच्चे का भूत है जो यौवन से पहले शादी करना चाहता है। वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इंसानों से मदद मांगता है, एक ऐसा सेटअप जो खूब सारी हंसी की गारंटी देता है। एक ईमानदार अभय वर्मा ने बिट्टू का किरदार निभाया है, जो 20 साल का एक सामाजिक रूप से अजीब आदमी है, जिस पर अक्सर सूर्यास्त के बाद ड्रग्स का सेवन करने का संदेह होता है, क्योंकि आमतौर पर यही वो समय होता है जब उसे मुंजिया द्वारा प्रेतवाधित किया जाता है। मुंजिया संभवत अब तक सबसे कामुक किशोर भूत है। मूवी में सीजीआई राक्षस लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के ऑर्क और हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी के एल्फ डॉबी के बीच एक प्रेम संतान की तरह है। मोना सिंह ने बबनी का किरदार निभाया है, जो बिट्टू की सुरक्षात्मक एकल माँ है और एक कामकाजी महिला भी हैं जो एक सैलून चलाती हैं। उसकी सुरक्षात्मक प्रवृत्ति उसके बेटे को बाहर जाकर दुनिया की खोज करने नहीं देती। सिंह एक बेहतरीन कलाकार है। मूवी का एक बड़ा हिस्सा उनके पतले लेकिन सक्षम कंधों पर टिका है, खासकर कॉमेडी हिस्से जो अभिनेता की त्रुटिहीन कॉमिक टाइमिंग के कारण अच्छे लगते हैं। उनका पंजाबी अंदाज प्राइम वीडियो के मेड इन हेवन सीजन 2 में मिस बुलबुल की याद दिलाता है। शर्वरी वाघ बिट्टू की प्रेमिका है, जिसकी रेडिंग की हरकतें अक्सर उसकी महत्वाकांक्षाओं के आड़े आती हैं। तरन सिंह का विशेष उल्लेख करना ज़रूरी है, जो बिट्टू के दोस्त व त्रिपाठी भी भूमिका निभाए हैं और मूवी में हास्य को बढ़ाने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं। हॉरर शैली के विशेष शौकीन न होने के कारण इस आलोचक ने अपनी पूरी कोशिश की कि उनके पूर्वाग्रह एक निष्पक्ष समीक्षा की आड़े न आए, लेकिन मुझे सुखद आश्चर्य हुआ जब फिल्म उतनी डरावनी नहीं निकली जितनी मैंने उम्मीद की थी। जो लोग एक पूरी तरह से हॉरर मूवी कॉन्जरिंग दी ये सारी चीज़ें तलाश कर रहे थे, उन्हें निराशा हो सकती है, क्योंकि चुटकुले इस 123 मिनट लंबी मूवी में हॉरर को कमज़ोर कर दे रही हैं। श्रद्धा कपूर की कैमियो भूमिका स्त्री मुंजिया जगत के तत्वों को पूरी तरह से संवनित करती हैं और एक क्रॉसओवर मूवी के लिए पर्याप्त जगह छोड़ देता है। हालांकि मुंजिया ने ज़्यादातर समय अच्छा काम किया, लेकिन मूवी में इस राक्षस को उसके अपने हित के लिए थोड़ा ज़्यादा शरारती बना दिया गया। मुंजिया की शरारती हरकतें जैसे बस में अनजान महिलाओं को प्यार से काटना, भूत को भयावह या खतरनाक दिखाने के लिए बहुत कम जगह छोड़ती है। इसके अलावा किरदारों में गहराई की कमी दिखती है और अक्सर एक ही स्वर में दिखाई देते हैं। पटकथा कुछ हिस्सों में कमज़ोर है
और कुछ सीन्स में संवाद भी कमजोर लगते हैं। सीजीआई बहुत ही प्रभावशाली नहीं है और सीमा रेखा पर कार्टून जैसा लगता है। लगभग ऐसा लगता है जैसे निर्देशक बच्चों को लुभाना चाहते हैं। मुंजे अपने डरावने दृश्यों की भरपाई बहुत ज़्यादा हल्के फुल्के पलों से करती है, फिर भी ये अच्छी तरह से काम करती है, लेकिन इससे स्त्री स्तर की पूर्णता उम्मीद ना करें। उम्मीद है कि भारत का मेडॉक सुपो नेचुरल यूनिवर्स लोक कथाओं में निहित ऐसी ही कहानियां के साथ आगे बढ़ेगा। निर्माता दिनेश विजयन तीन और हॉरर कॉमेडी फिल्में लेकर आ रहे हैं। दिनेश ने फिल्म स्त्री के पार्ट टू के साथ रू अफजा और मुंजिया बनाने की अनाउंसमेंट की थी। अब मुंजिया फिल्म से अपडेट है कि फिल्म का ट्रेलर कल यानी 24 मई को लॉन्च होने वाला है। इससे पहले रिलीज हुई टीजर पर नजर डालें तो इस टीजर में आप देख सकते हैं कि एक क्रीचर जो जंगल में छुपा होता है, जैसे ही उसके कानों में सलमान खान की सुपरहिट फिल्म दबंग के मुन्नी बदनाम गाने की आवाज पड़ती है तो वह शहर की तरफ चल देता है। वहां आते ही वे तलाश शुरू कर देता है मुन्नी बदनाम गाना आखिर कौन बजा रहा है। जैसे तैसे उसको इसमें कामयाबी मिल जाती है और वह खिड़की पर खड़ा होकर उस गाने का आनंद लेता है। तभी टीवी बंद हो जाता है और गुस्से में आकर क्रीचर उस शख्स पर हमला कर देता है। टीजर में टैगलाइन दी गई है, सावधान मुन्नी वो आ रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो मुझे अगर टीजर काफी शानदार था। अब 24 मई को रिलीज होने वाला ट्रेलर क्या कमाल करेगा ये देखना है। शरीवाग के अलावा एक्टर अभय वर्मा भी मुझे में नजर आने वाले हैं। गौर करें इस मूवी की रिलीज डेट की तरफ तो ये फिल्म 7 जून 2024 सिनेमाघरों में रिलीज होगी। माना जा रहा है कि स्त्री, भेड़िया और रूही की तरह दिनेश विजयन की ये हॉरर कॉमेडी फिल्म भी कमाल दिखा सकती है। तीनों पार्ट एक दूसरे से थोड़े से मिलते जुलते हैं। 2018 में दिनेश स्त्री की सफलता के बाद रू अफजा पर काम करना शुरू कर दिया था। इस फिल्म की कहानी में गाना गाने वाली भूत होगी जो शादी की रात को दूल्हे को सुला देती है ताकि दुल्हन को अपने वश में कर सके। इसके लिए इस गांव में जब कभी किसी की शादी होती है तो उस इलाके की सभी औरतें पहली रात को दूल्हा दुल्हन के साथ ही रहती हैं ताकि भूत दूल्हे को सुला ना पाए। इस फिल्म में राजकुमार राव, वरुण शर्मा मुख्य किरदार में होंगे। इस फिल्म का निर्माण दिनेश विजयन और प्रदीप सिंह लांबा मिलकर करेंगे। इसकी कहानी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर पर आधारित होगी। वहीं इसके पहले राजकुमार राव स्त्री फिल्म में काम कर चुके हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी। इस फिल्म में राजकुमार के अलावा श्रद्धा कपूर और अपार शक्ति खुराना थे। इस फिल्म को अमर कौशिक ने डायरेक्ट किया था। मुंजा फिल्म की कहानी एक मेल भूत के इर्द गिर्द घूमेगी जो अपने लिए दुल्हन की तलाश में है। इससे पहले ऐसा स्त्री में देखने को मिला था जहाँ महिला भूत शहर के पुरुषों को अपना शिकार बनाती थी। इन तीनों फिल्मों को तीन अलग अलग टीम ने डेवलप किया है। ये तीनों ही टीम एक दूसरे को नहीं जानती है। आपको क्या लगता है, स्त्री, भेड़िया के बाद अब मुंजिया लोगों को दिल पर काबू कर पाएगी और लोगों का दिल जीत पाएगी या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंटिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। अगर एक्शन एक्शन देख के आप थोड़े बोर हुए होंगे और हॉरर मूवीज देखना आप पसंद करते हैं तो बस एक पैर पर तैयार हो जाइए क्योंकि अब कोई आने वाला है और उन्हें प्यार से कहते हैं मुंजिया। और अगर नाम सुनकर हंसी आ रही है तो भूल जाएं क्योंकि इसे देखने के बाद कई भगवान याद आ जाएंगे क्योंकि टीजर देखकर ऐसा ही लग रहा है। तो सुपरहिट मूवी स्त्री बनाने वाले दिनेश विजयन और अमर कौशिक की इस नई फिल्म के टीजर की शुरुआत रात में समंदर की ऊंची उड़ती लहरों और जंगल के घने पेड़ से होती है जिसके पीछे सीजीआई की मदद से बना एक्टर और भूत छिपा हुआ है जिसके पहले हाथ दिखाई देते हैं और फिर खौफनाक आंखें। जैसे इसे देखकर आप डरना शुरू करेंगे वैसे ही उसकी बचकानी हरकतों से मुस्कुराने को भी मजबूर हो जाएंगे। रोशनी से चमकते जुगनुओं या आग से लिपटते हुए उड़ती चिंगारियों को देखकर वो डरकर भाग जाता है और सीधे इंसानी दुनिया में पहुंच जाता है। यहाँ एक घर में एक आदमी टीवी पर मलाइका अरोड़ा का मुन्नी बदनाम गाना देख रहा है। ये भूत भी घर पर चढ़कर कमरे तक पहुंच जाता है और वे भी मलाइका के गाना देखने लगता है। वैसे ही जैसे ही पहुंचता है वैसे ही वो आदमी रिमोट से टीवी को बंद करता है। वैसे ही गुस्से से लाल होता वह भूत उस पर हमला बोल देता है और टीजर में ये हिंट भी
दिया है कि मुनि लोग सावधान हो जाएं क्योंकि वो आ रहा है। पर अर्जुन कपूर के बाद मलाइका का एक और दीवाना मिल चुका है दोस्तों। पर ये टीजर देखते वक्त ना हमें तो लॉर्ड ऑफ रिंग्स का गोलम याद आया। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म सीरीज में गोलम एक क्रीचर जैसा किरदार है जो इंसानों की तरह दिखता है। कई साल पहले गोलम भी इंसान ही था मगर रिंग की चाहत में उसका ये हाल हो गया। इसलिए मुझे आयो देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं गोलम ही तो इंडिया में नहीं आ गया। खैर पर मुझे रूही वह पॉसिबली स्त्री के किरदारों के साथ जोड़े जाएगी। वह शुरू में स्त्री के प्रीक्वल के रूप में इमेजिन की गई और ये स्टोरी एक्ट्रेस शर्वरी वाघ के जरिए एक नए कैरेक्टर को प्रेजेंट करने के लिए डेवलप हुई है। इस फिल्म में एक मेल कैरेक्टर को भूत के रूप में प्रेजेंट किया जाएगा। वैसे ब्रह्मास्त्र के बाद बॉलीवुड वालों को वीएफएक्स का चस्का जरूर लग गया है। हर कोई वीएफएक्स करके अपनी फिल्म को एक जादुई आविष्कार बनाने के मूड में होता है और ये फिल्म भी कोई अलग रास्ता नहीं चुन रही। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इस खौफनाक हॉरर कॉमेडी मूवी में सीजीआई एक्टर का इस्तेमाल किया गया है। आसान लैंग्वेज में कंप्यूटर से बनाया गया हीरो जो विलन भी है। खैर इस टीजर के साथ फिल्म की कास्ट का भी ऐलान कर दिया गया है। इस फिल्म में शर्वरी के साथ साथ अभय वर्मा, मोना सिंह और सत्यराज नजर आएंगे और डायरेक्शन आदित्य सरपोदार का होगा। तो बस अब डरने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि मुंजा 7 जून को आ रही है। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंटिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। Become an actor in Bollywood. नरवाले, मैं मुन्ने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। गीता, छोड़ दे उसे। जब हम हॉरर फिल्मों के बारे में सोचते हैं तो कुछ चंद हिंदी फिल्मों के नाम तुरंत हमारे दिमाग में आ जाते हैं। राज, कृष्णा कॉटेज, भूत, भेड़िया, स्त्री जैसी हॉरर फिल्मों को लोगों ने खूब प्यार दिया। लेकिन स्त्री, भेड़िया की खास बात थी इन फिल्मों में नजर आने वाली हॉरर कॉमेडी। अब एक और हॉरर कॉमेडी फिल्म थिएटर में रिलीज होने जा रही है और उस फिल्म का नाम है मुंजिया। मुन्नी को ढूंढने निकल पड़े इस मुंजिया का मजेदार ट्रेलर देखने के बाद अब इस फिल्म के बारे में और जानना चाहते हैं। इससे पहले बात करते हैं ट्रेलर की। ट्रेलर स्टार्टिंग से ग्रिप बनाकर रखता है। ये आपको डर भी महसूस कराएगा और हंसी भी देगा जैसे ही हमने काफी फिल्मों में पहले देख चुके हैं। लेकिन अब की बार जो अलग है वो है इसका सीजीआई भूत जिसका नाम है मुंजिया। स्त्री, भेड़िया और मुंजिया में कई चीजें कॉमन है जैसे भूत सूर्या डूबने के बाद ही आता है। ट्रेलर काफी प्रॉमिसिंग है। बीजीएम से लेकर एडिटिंग तक फर्स्ट क्लास काम हुआ है। अब हम मुंजिया का मतलब जान लेते हैं। मुंजिया यानी भूत। दरअसल ये एक मराठी शब्द है और देर रात तक घर से बाहर खेलने वाले बच्चों को डराने के लिए अक्सर माँ उन्हें कहती है कि अब घर आ जाओ वरना मुंजिया पीछे आ जाएगा। हालांकि अब मोबाइल फोन और कंप्यूटर पर खेलने वाले बच्चों को इस तरह से डराने की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन मुंजिया मतलब एक छोटे बच्चे का भूत है। गोवा कोकण में इस भूत को कई सारी कहानियों में प्रस्तुत किया जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई बच्चा मर जाए तो वो मुंजिया बन जाता है। ये मुंजिया पीपल के पेड़ पर रहता है क्योंकि उसकी बचपन की इच्छाएं अधूरी रह जाती है इसीलिए वह अपने ही उम्र के बच्चों को ही अपना कार बनाता है। इस फिल्म के दौरान जब फिल्म एक बार फिर मुंजिया का जिक्र हुआ तब किसी ने बताया कि उस जमाने में गांव में जब लाइट्स नहीं होती थी ऐसे में बच्चों कोई जानवर या सांप आकर ना काटे, उन्हें अंधेरे में कोई चोट ना आए, इसलिए उन्हें भूत मुंजिया या फिर चुड़ैल का डर दिखाया जाता था ताकि वो शाम होने से पहले ही घर आ जाए। मुंजिया के ट्रेलर की शुरुआत में ही जंगल में एक पीपल का पेड़ दिखाया जाता है। इस पेड़ से मुंजिया बाहर निकलता है और मलाइका अरोड़ा का गाना मुन्नी बदनाम हुई एंजॉय करने लगता है। मुन्नी का दीवाना मुंजिया यहाँ पहुंच जाता है जहाँ टीवी पर ये गाना शुरू होता है। मुन्नी बदनाम हुई गाना खत्म होते ही मुंजिया उस घर में एंट्री करता है और उसके बाद घर में मौजूद लोगों को चीखे सुनाई देती हैं। फिल्म मुंजिया की खास बात यह है कि हिंदी फिल्मों के इतिहास में पहली बार एक सीजीआई किरदार फिल्म में प्रमुख भूमिका में दिखाई देने वाला है। मुंजिया फिल्म की कहानी एक मेल भूत के इर्द गिर्द घूमेगी जो अपने लिए दुल्हन की तलाश में है। इससे पहले ऐसा स्त्री में देखने को मिला था जहां महिला भूत शहर के पुरुषों को अपना शिकार बनाती थी। शर्वरी वाघ के अलावा एक्टर अभय वर्मा भी मुंजिया में नजर आने वाले हैं। गौर करें इस मूवी की रिलीज डेट की तरफ तो ये फिल्म 7 जून 2024 सिनेमाघरों में रिलीज होगी। माना जा रहा है कि स्त्री, भेड़िया और रूही की तरह दिनेश विजान की ये हॉरर कॉमेडी फिल्म भी कमाल दिखाई देती है। बोला आप कितना एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंटिल देन कीप वॉचिंग। मुंजिया के ट्रेलर को मिले जबरदस्त रिस्पांस के बाद मेडॉक फिल्म ने अपनी अपकमिंग फिल्म मुंजिया से पहला गाना रिलीज कर दिया है जिसमें खूबसूरत शर्वरी ने बिल्कुल धमाकेदार बीट्स के साथ काम किया। द
दिलचस्प पोस्टर और टीजर के साथ एक्साइटमेंट बढ़ाते हुए इस तरीके मेकर्स ने ट्रेलर रिलीज किया जिसने लोगों की दिलचस्पी को और बढ़ा दिया। जहां ट्रेलर यूट्यूब पर नंबर वन स्थान पर ट्रेंड कर रहा था, वहीं ट्रेलर ने ऑडियंस को फिल्म के लिए एक्साइटेड कर दिया है और अब फिल्म से पहला गाना मुंजिया के लिए ऑडियंस की उम्मीदों को और भी बढ़ा देगा जो 7 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। शर्वरी अब पहले गाने तरस के साथ सुर्खियों बटोरने में लगी हुई है जिसमें वह एक शानदार हीरोइन जैसी दिख रही है। वह अपने सेक्सी और सिजलिंग मूव से आपके होश उड़ा देंगी। मुंजिया के इस डेब्यू गाने को सचिन जिगर की शानदार जोड़ी ने तैयार किया है। ये जोड़ी अपना बना ले एक जिंदगी तुमसे, फिर और क्या चाहिए, जुग जुग जियो, ढुमकेश्वरी जैसे कई हिट सॉन्ग्स दे चुकी है। अब अपने कोलैबोरेशन के बारे में बात करते हुए इस जोड़ी ने कहा कि मिडॉक फिल्म के साथ ये एक शानदार यात्रा रही, हमने कुछ अनफॉरगेटेबल हिट्स गाने बनाए हैं, लेकिन अब निश्चित रूप से इस एल्बम के साथ और लोगों को ज्यादा मेस्मराइजिंग करने के लिए एक्साइटेड है और हमें उम्मीद है कि ये गाने भी ऑडियंस को पसंद आएंगे। शर्वरी वाघ को पिछली बार फिल्म बंटी और बबली 2 में देखा गया था जो 2021 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अब 4 साल के लंबे अंतराल के बाद शर्वरी सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करने के लिए तैयार है। इन दिनों ये अपनी अपकमिंग फिल्म मुंजिया को लेकर चर्चे में लगातार बनी है। तरस गाने में शर्वरी वाघ का जबरदस्त डांस देखने को मिला। गाने में शर्वरी वाघ को जबरदस्त लटके झटके मारने का जरूर मौका मिला। इस गाने को जैस्मिन सैंडलेस और सचिन जिगर ने किया गया है। इस गाने के लिरिक्स को अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं। फिल्म मुंजिया का गाना तरस रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मुंजिया के ट्रेलर में चिटुकबाड़ी की कहानी दिखाई गई जो एक श्रापित जगह है। इस जगह पर मुंजिया की अस्थियां गड़ी हुई हैं। दरअसल मुंजिया किसी मुन्नी से शादी करना चाहता है लेकिन शादी से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। जहां ये फिल्म आपको डराएगी तो वहीं ये फिल्म आपको हंसाने का काम भी करेगी क्योंकि फिल्म में हॉरर के साथ साथ कॉमेडी का जबरदस्त तड़का आपको देखने को मिलेगा। मुंजिया सिर्फ सनसेट के बाद आता है और वह अपनी आखिरी इच्छा यानी कि मुन्नी से शादी करना चाहता है। मुंजिया में अभय वर्मा, मोना सिंह और एस सत्यराज भी अहम भूमिका में नजर आएंगे जिनकी झलक ट्रेलर में साफ दिखाई दी। फिल्म के ट्रेलर के साथ मेकर्स ने लिखा है कि मुन्नी के लिए मुंजिया जान दे भी सकता है और ले भी सकता है। इस फिल्म का निर्देशन आदित्य सरपोदार ने किया है। दिनेश विजान और अमर कौशिक इस फिल्म के निर्माता है। योगेश चांदीकर ने इसकी कहानी लिखी है। ये फिल्म 7 जून 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आपको मुंजिया का कितना इंतजार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड। लोक कथाओं पर आधारित फिल्में इसलिए पसंद की जाती हैं क्योंकि वे स्थानीय अनुभव को लेकर उसे सार्वभौमिक बनाती हैं। ऋषभ शेट्टी की कंतारा में भूत कोला परंपरा या तुम्बाड़ जो 2018 में आई उसमें राक्षस भगवान हेस्टर की कहानियों के बारे में थी। दोनों फिल्मों को पूरे भारत के ऑडियंस ने सराहा जिससे साबित हुआ कि लोकल कहानियों को जब सही तरीके से बताया जाता है तो ग्लोबल वाहवाही मिल सकती है। आदित्य सरपोदार द्वारा निर्देशित और स्त्री और भेड़िया जैसे ही दुनिया पर आधारित मुंजिया कोकड़ लोककथा में एक नामचीन बाल दानव राक्षस की कहानी है जो कम दुष्ट अधिक शरारती है। मराठी में मुंजिया एक पारंपरिक समारोह का संदर्भित करता है जो लड़के के युवा फेज की शुरुआत को दिखाता है। इसके बाद सौण मुंजिया होता है जो स्टूडेंट फेज के अंत और विवाहित जीवन की शुरुआत को प्रेजेंट करने वाला बनता है। यदि कोई बच्चा अपने सौण मुंजिया समारोह से पहले मर जाता था तो वह मुंजिया का रूप ले लेता था, एक भूत जो पीपल के पेड़ों और कुओं के पास रहता है। फिल्म का आधार मजबूत है और योगेश चांदीकर और लेखक नरेन भट्ट द्वारा किए गए ठोस शोध पर आधारित है। मुंजिया मूल रूप से एक ऐसे बच्चे का भूत है जो यौवन से पहले और शादी के लिए पागल है। वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इंसानों से मदद मांगता है, एक ऐसा सेटअप जो खूब सारी हंसी की गारंटी देता है। एक ईमानदार अभय वर्मा ने बिट्टू का किरदार निभाया है जो 20 साल के एक सामाजिक रूप से अजीब आदमी है जिस पर अक्सर सूर्यास्त के बाद ड्रग्स का सेवन करने का संदेह होता है क्योंकि आमतौर पर यही वह समय होता है जब उसे मुंजिया द्वारा प्रेतवाहित किया जाता है। मुंजिया संबद्ध तो अब तक के सबसे कामुक किशोर भूत है। फिल्म में सीजीआई राक्षस लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के आर्क और हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी के एल्ब डॉबी के भी एक संतान की तरह दिखता है। मोना सिंह ने पम्मी का किरदार निभाया जो बिट्टू की सिंगल मदर है और कामकाजी महिला है जो एक सैलून चलाती है। उसकी प्रवृत्ति उसके बेटे के बाहर जाकर दुनिया की खोज करने नहीं देती। मोना सिंह एक बेहतरीन एक्ट्रेस है। फिल्म का एक बड़ा हिस्सा उनके पतले लेकिन टैलेंटेड कंधों पर
टिका हुआ है। खासतौर पर कॉमेडी हिस्से जो एक्टर की बुनियाद होते हैं और जो एक्टर का पॉइंट होता है उस चीज को भी काफी अच्छे से साबित करती हैं। उनका पंजाबी अंदाज प्राइम वीडियो के मेड इन हेवन सीजन 2 में मिस बुलबुल की याद दिलाता है। शर्वरी बाग बिट्टू की गर्लफ्रेंड है जिसकी डेटिंग की हरकतें अक्सर उसकी महत्वाकांक्षाओं के आड़े आती हैं। तरन सिंह का विशेष उल्लेख करना जरूरी है जो बिट्टू के जिगरी दोस्त की भूमिका निभाते हैं और फिल्म में कॉमेडी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। फिल्म डरावनी नहीं है लेकिन लोटपोट हो जाओगे ये गारंटी है। जो लोग हॉरर मूवी के दीवाने हैं और कॉन्ज्यूरिंग जैसे फिल्मों की तलाश में मुंजिया देखने जा रहे हैं उनके लिए 123 मिनट लंबी फिल्म निराशा का विषय हो सकती है। श्रद्धा कपूर की कैमियो भूमिका स्तरीय मुंजिया यूनिवर्स के एलिमेंट्स को पूरी तरह आपस में जोड़ती है और एक क्रॉसओवर फिल्म के लिए पर्याप्त जगह छोड़ती है। हालांकि मुंजिया ने ज्यादातर समय अच्छा काम किया है लेकिन फिल्म में इस राक्षस को उसके अपने हित के लिए थोड़ा ज्यादा शरारती बना दिया गया है। इसके अलावा किरदारों में गहराई की कमी दिखती है और अक्सर एक ही स्वर में दिखाई देते हैं। कहानी कुछ हिस्सों में कमजोर है और कुछ सीन्स में डायलॉग भी कमजोर लगते हैं। CGI बहुत प्रभावशाली नहीं है और सीमा रेखा पर कार्टून जैसा लगता है। लगभग ऐसा लगता है जैसे निर्देशक बच्चों को लुभाना चाहते हैं। मुंजिया अपने डरावने सीन्स की भरपाई बहुत ज्यादा हल्के फुल्के पत्तों से और हल्के पल्के पलों से करती है, फिर भी वे अच्छी तरह से काम करती है। लेकिन इससे स्त्री लेवल की उम्मीदें ना करें। उम्मीद है कि भारत का मिडॉक सुपरनेचुरल यूनिवर्स MSU लोक कथाओं में निहित ऐसी ही कहानियों के साथ आगे बढ़ेगा। दोस्तों एक्शन एक्शन देख देख करना हमारी आंखों को ना एक बार सूजन हो सकती है या फिर हम ना बोर हो सकते हैं, इसलिए हॉरर फिल्म देखना ना ये बेस्ट ऑप्शन है फिलहाल के लिए। इसलिए तो आ रहा है मुंजिया। वैसे मुंजिया के टीजर और ट्रेलर से तो लग रहा है कि इसका CGI और अच्छा हो सकता था क्योंकि हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में बनी भेड़िया का CGI जबरदस्त था। हालांकि फिल्म उतनी कमाल की नहीं थी पर मुंजिया में कंटेंट बहुत ही जबरदस्त होने वाला है क्योंकि ये रियल कंटेंट बेस्ड हो सकती है। और ये मुंजिया सबसे ज्यादा पावरफुल इसलिए है क्योंकि असल में मुंजिया से जुड़ी कहानियां काफी खतरनाक है। अगर किसी इंसान के अंदर घुस जाता है जो कि एक भूत है तो वो अगले 7 जनरेशन तक सबको तकलीफ देता है। अब मुंजिया ये टाइटल क्यों आया होगा इसका भी आंसर हम आपको बता देते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में ब्राह्मण फैमिलीज में छोटे लड़कों की मूंज करवाई जाती है। ये मराठी शब्द है जिसे हिंदी में मुंडन कहा जाता है और अगर किसी बच्चे का मुंडन करवाने के 15 दिनों के अंदर ही उसकी मौत हो जाए तो वो मुंजिया बन जाता है। अब कुछ पुरानी कहानियों में ये भी बताया गया है कि लोग मुंजिया को पीपल के पेड़ से बांध कर रखते थे। इस पीपल के पेड़ के नीचे से जो भी जाता था मुंजिया उसे पकड़ लेता था, उसके अंदर प्रवेश कर सकता है और किसी औरत के आने वाले बच्चों को भी पेट में ही मार सकता है। अगर मुंजिया की परेशानी से बाहर आने के लिए कुछ लोग तांत्रिकों का भी इस्तेमाल करते हैं तो ये मुंजिया और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वैसे ऐसी चीजें महाराष्ट्र के कोकन बेल्ट में होती है या फिर हुई होगी ऐसा बताया जाता है। वैसे दिनेश विजन की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की खासियत यही होती है कि उनका जो घोस्ट है या फिर मॉन्स्टर है वही फिल्म के मेन कैरेक्टर है और इस यूनिवर्स की कहानियां बहुत ही यूनिक होती है, इसलिए शायद ये पहले ही अटेम्प्ट में पावरफुल होती है और मुंजिया की कहानी भी पॉपुलर होगी। पर क्या आगे चलकर मुंजिया का भेड़ियों या फिर स्त्री इनमें से किसी के साथ क्रॉसओवर हो सकता है? वैसे अभी तक तो मेकर्स ने कुछ भी सोचा नहीं है बल्कि मुंजिया की स्क्रिप्ट उस लेवल की नहीं लिखी गई है जिस तरह की स्त्री या भेड़िया की लिखी गई थी। मतलब स्त्री जिसमें एक पावरफुल फीमेल भूत कैरेक्टर का लेवल बहुत बड़ा बना दिया गया था पर उस लेवल की कहानी अभी तक मुंजिया के लिए नहीं लिखी गई है। पर ये क्रॉसओवर करने का आइडिया मेकर्स जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उनके दिमाग में आया तो। वैसे मुंजिया को आदित्य सरपोतार जो मराठी इंडस्ट्री में काम करने वाले डायरेक्टर हैं वो बनाएंगे जो मराठी और महाराष्ट्रियन होने के कारण ऐसी कहानी को ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। उसकी इंटेंसिटी, उसके पीछे का लॉजिक, साइंस सब कुछ बता सकते हैं। उन्होंने मराठी फिल्म जोम्बी वर्ली बनाई थी जो कि जोम्बीज के ऊपर बनाई गई थी तो जोम्बीज क्रिएचर्स को लेकर फिल्म बनाने का उन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो तैयार रहिए मुंजिया के लिए। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों वह एक्शन एक्शन देख देख करना हमारी आंखों को ना एक बार सूजन हो सकती है या फिर अब हम ना बोर हो सकते हैं, इसलिए हॉरर फिल्म देखना ना ये बेस्ट ऑप्शन है फिलहाल के लिए। इसलिए तो आ रहा है मुंजिया। वैसे मुंजिया के टीजर और ट्रेलर से तो लग रहा है कि इसका CGI और अच्छा हो सकता था क्योंकि हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में बनी भेड़िया का CGI जबरदस्त था।
हालांकि फिल्म उतनी कमाल की नहीं थी, पर मुंजिया में कंटेंट बहुत ही जबरदस्त होने वाला है क्योंकि ये रियल कंटेंट बेस्ड हो सकती है। और ये मुंजिया सबसे ज्यादा पावरफुल इसलिए है क्योंकि असल में मुंजिया से जुड़ी कहानियां काफी खतरनाक है। ये अगर किसी इंसान के अंदर घुस जाता है जो कि एक भूत है तो वो अगले 7 जनरेशन तक सबको तकलीफ देता है। अब मुंजिया ये टाइटल क्यों आया होगा इसका भी आंसर हम आपको बता देते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में ब्राह्मण फैमिलीज में छोटे लड़कों की मूंज करवाई जाती है। ये मराठी शब्द है जिसे हिंदी में मुंडन कहा जाता है, और अगर किसी बच्चे का मुंडन करवाने के 15 दिनों के अंदर ही उसकी मौत हो जाए तो वो मुंजिया बन जाता है। अब कुछ पुरानी कहानियों में ये भी बताया गया है कि लोग मुंजिया को पीपल के पेड़ से बांध कर रखते थे। इस पीपल के पेड़ के नीचे से जो भी जाता था मुंजिया उसे पकड़ लेता था, उसके अंदर प्रवेश कर सकता है और किसी औरत के आने वाले बच्चों को भी पेट में ही मार सकता है। अगर मुंजिया की परेशानी से बाहर आने के लिए कुछ लोग तांत्रिकों का भी इस्तेमाल करते हैं तो ये मुंजिया और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वैसे ऐसी चीजें महाराष्ट्र के कोकन बेल्ट में होती है या फिर हुई होगी ऐसा बताया जाता है। वैसे दिनेश विजन की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की खासियत यही होती है कि उनका जो घोस्ट है या फिर मॉन्स्टर है वही फिल्म के मेन कैरेक्टर है, और इस यूनिवर्स की कहानियां बहुत ही यूनिक होती है, इसलिए शायद ये पहले ही अटेम्प्ट में पावरफुल होती है और मुंजिया की कहानी भी पॉपुलर होगी। पर क्या आगे चलकर मुंजिया का भेड़ियों या फिर पर क्या आगे चलकर मुंजिया का भेड़िया या फिर स्त्री इनमें से किसी के साथ क्रॉसओवर हो सकता है? वैसे अभी तक तो मेकर्स ने कुछ भी सोचा नहीं है, बल्कि मुंजिया की स्क्रिप्ट उस लेवल की नहीं लिखी गई है जिस तरह की स्त्री या भेड़िया की लिखी गई थी। मतलब स्त्री जिसमें एक पावरफुल फीमेल भूत कैरेक्टर का लेवल बहुत बड़ा बना दिया गया था, पर उस लेवल की कहानी अभी तक मुंजिया के लिए नहीं लिखी गई है। पर ये क्रॉसओवर करने का आइडिया मेकर्स जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उनके दिमाग में आया तो। वैसे मुंजिया को आदित्य सरपोतार जो मराठी इंडस्ट्री में काम करने वाले डायरेक्टर हैं वो बनाएंगे, जो मराठी और महाराष्ट्रियन होने के कारण ऐसी कहानी को ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। उसकी इंटेंसिटी, उसके पीछे का लॉजिक, साइंस सब कुछ बता सकते हैं। उन्होंने मराठी फिल्म जोम्बी बली बनाई थी जो कि जॉम्बीज के ऊपर बनाई गई थी, तो जॉम्बीज क्रिएचर्स को लेकर फिल्म बनाने का उन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो तैयार रहिए मुंजिया के लिए। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक। निर्माता दिनेश विजन 3 और हॉरर कॉमेडी फिल्में लेकर आ रहे हैं। दिनेश ने फिल्म स्त्री के पार्ट 2 के साथ रू अफजा और मुंजिया बनाने की अनाउंसमेंट की थी। अब मुंजिया फिल्म से अपडेट है कि फिल्म का ट्रेलर कल यानी 24 मई को लॉन्च होने वाला है। इससे पहले रिलीज हुई टीजर पर नजर डालें तो इस टीजर में आप देख सकते हैं कि एक क्रीचर जो जंगल में छुपा होता है, जैसे ही उसके कानों में सलमान खान की सुपरहिट फिल्म दबंग के मुन्नी बदनाम गाने की आवाज पड़ती है तो वह शहर की तरफ चल देता है। वहां आते ही वे तलाश शुरू कर देता है मुन्नी बदनाम गाना आखिर कौन बजा रहा है। जैसे तैसे उसको इसमें कामयाबी मिल जाती है और वह खिड़की पर खड़ा होकर उस गाने का आनंद लेता है। तभी टीवी बंद हो जाता है और गुस्से में आकर क्रीचर उस शख्स पर हमला कर देता है। टीजर में टैगलाइन दी गई है, सावधान मुन्नी वो आ रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो मुझे अगर टीजर काफी शानदार था। अब 24 मई को रिलीज होने वाला ट्रेलर क्या कमाल करेगा ये देखना है। शरीवाग के अलावा एक्टर अभय वर्मा भी मुझे हमें नजर आने वाले हैं। गौर करें इस मूवी की रिलीज डेट की तरफ तो ये फिल्म 7 जून 2024 सिनेमाघरों में रिलीज होगी। माना जा रहा है कि स्त्री, भेड़िया और रूही की तरह दिनेश विजन की ये हॉरर कॉमेडी फिल्म भी कमाल दिखा सकती है। तीनों पार्ट एक दूसरे से थोड़े से मिलते जुलते हैं। 2018 में दिनेश ने स्त्री की सफलता के बाद रू अफजा पर काम करना शुरू कर दिया था। इस फिल्म की कहानी में गाना गाने वाली भूत होगी जो शादी की रात को दूल्हे को सुला देती है ताकि दुल्हन को अपने वश में कर सके। इसके लिए इस गांव में जब कभी किसी की शादी होती है तो उस इलाके की सभी औरतें पहली रात को दूल्हा दुल्हन के साथ ही रहती हैं ताकि भूत दूल्हे को सुला ना पाए। इस फिल्म में राजकुमार राव, वरुण शर्मा मुख्य किरदार में होंगे। इस फिल्म का निर्माण दिनेश विजन और प्रदीप सिंह लांबा मिलकर करेंगे। इसकी कहानी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर पर आधारित होगी। वहीं इसके पहले राजकुमार राव स्त्री फिल्म में काम कर चुके हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी। इस फिल्म में राजकुमार के अलावा श्रद्धा कपूर और अपार शक्ति खुराना थे। इस फिल्म को अमर कौशिक ने डायरेक्ट किया था। मुंजिया फिल्म की कहानी एक मेल भूत के इर्द गिर्द घूमेगी जो अपने लिए दुल्हन की तलाश में है। इससे पहले ऐसा स्त्री में देखने को मिला था जहां महिला भूत शहर के पुरुषों को अपना शिकार बनाती थी।
इन तीनों फिल्मों को तीन अलग अलग टीम ने डेवलप किया है। ये तीनों ही टीम एक दूसरे को नहीं जानती है। आपको क्या लगता है, स्त्री भेड़िया के बाद अब मुंजिया लोगों को दिल पर काबू कर पाएगी और लोगों का दिल जीत पाएगी या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंटिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्रैड स्टूडियोज। अगर एक्शन एक्शन देख के आप थोड़े बोर हुए होंगे और हॉरर मूवीज देखना आप पसंद करते हैं तो बस एक पैर पर तैयार हो जाइए, क्योंकि अब कोई आने वाला है और उन्हें प्यार से कहते हैं मुंजिया। और अगर नाम सुनकर हंसी आ रही है तो भूल जाएं, क्योंकि इसे देखने के बाद कई भगवान याद आ जाएंगे, क्योंकि टीजर देखकर ऐसा ही लग रहा है। तो सुपर हिट मूवी स्त्री बनाने वाले दिनेश विजान और अमर कौशिक की इस नई फिल्म के टीजर की शुरुआत रात में समंदर की ऊंची उड़ती लहरों और जंगल के घने पेड़ से होती है, जिसके पीछे सीजीआई की मदद से बना एक्टर और भूत छिपा हुआ है, जिसके पहले हाथ दिखाई देते हैं और फिर खौफनाक आंखें। जैसे इसे देखकर आप डरना शुरू करेंगे, वैसे ही उसकी बचकानी हरकतों से मुस्कुराने को भी मजबूर हो जाएंगे। रोशनी से चमकते जुगनुओं या आग से लिपटते हुए उड़ती चिंगारियों को देखकर वो डरकर भाग जाता है और सीधे इंसानी दुनिया में पहुंच जाता है। यहाँ एक घर में एक आदमी टीवी पर मलाइका अरोड़ा का मुन्नी बदनाम गाना देख रहा है। ये भूत भी घर पर चढ़कर कमरे तक पहुंच जाता है और वे भी मलाइका के गाना देखने लगता है। वैसे ही जैसे ही पहुंचता है, वैसे ही वो आदमी रिमोट से टीवी को बंद करता है। वैसे ही गुस्से से लाल होता वह भूत उस पर हमला बोल देता है और टीजर में ये हिंट भी दिया है कि मुन्नी लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि वो आ रहा है। पर अर्जुन कपूर के बाद मलाइका का एक और दीवाना मिल चुका है दोस्तों। पर ये टीजर देखते वक्त ना हमें तो लॉर्ड ऑफ रिंग्स का गुलम याद आया। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म सीरीज में गोलम एक क्रीचर जैसा किरदार है जो इंसानों की तरह दिखता है। कई साल पहले गोलम भी इंसान ही था, मगर रिंग की चाहत में उसका ही हाल हो गया। इसलिए मुझे आयो देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं गोलम ही तो इंडिया में नहीं आ गया। खैर, पर मुझे रूही वे पॉसिबली स्त्री के किरदारों के साथ जोड़े जाएगी। वह शुरू में स्त्री के प्रीक्वल के रूप में इमेजिन की गई और ये स्टोरी एक्ट्रेस शर्वरी वाघ के जरिए एक नए कैरेक्टर को प्रेजेंट करने के लिए डेवलप हुई है। इस फिल्म में एक मेल कैरेक्टर को भूत के रूप में प्रेजेंट किया जाएगा। वैसे ब्रह्मास्त्र के बाद बॉलीवुड वालों को वीएफएक्स का चस्का जरूर लग गया है। हर कोई वीएफएक्स करके अपनी फिल्म को एक जादुई आविष्कार बनाने के मूड में होता है और ये फिल्म भी कोई अलग रास्ता नहीं चुन रही। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इस खौफनाक हॉरर कॉमेडी मूवी में सीजीआई एक्टर का इस्तेमाल किया गया है। आसान लैंग्वेज में कंप्यूटर से बनाया गया हीरो जो विलन भी है। खैर, इस टीजर के साथ फिल्म की कास्ट का भी ऐलान कर दिया गया है। इस फिल्म में शर्वरी के साथ साथ अभय वर्मा, मोना सिंह और सत्यराज नजर आएंगे और डायरेक्शन आदित्य सरपोदार का होगा। तो बस अब डरने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मुंजिया 7 जून को आ रही है। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंटिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्रैड स्टूडियोज। Become an actor in Bali. नरबले, मैं मुन्नी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। छोड़ दे उसे। जब हम हॉरर फिल्मों के बारे में सोचते हैं तो कुछ चंद हिंदी फिल्मों के नाम तुरंत हमारे दिमाग में आ जाते हैं। राज, कृष्णा कॉटेज, भूत, भेड़िया, स्त्री जैसी हॉरर फिल्मों को लोगों ने खूब प्यार दिया। लेकिन स्त्री भेड़िया की खास बात थी इन फिल्मों में नजर आने वाली हॉरर कॉमेडी। अब एक और हॉरर कॉमेडी फिल्म थिएटर में रिलीज होने जा रही है और उस फिल्म का नाम है मुंजिया। मुन्नी को ढूंढने निकल पड़े इस मुंजिया का मजेदार ट्रेलर देखने के बाद अब इस फिल्म के बारे में और जानना चाहते हैं। इससे पहले बात करते हैं ट्रेलर की। ट्रेलर स्टार्टिंग से ग्रिप बनाकर रखता है। ये आपको डर भी महसूस कराएगा और हंसी भी देगा, जैसे ही हमने काफी फिल्मों में पहले देख चुके हैं। लेकिन अब की बार जो अलग है वो है इसका सीजीआई भूत जिसका नाम है मुंजिया। स्त्री, भेड़िया और मुंजिया में कई चीजें कॉमन है, जैसे भूत सूर्या डूबने के बाद ही आता है। ट्रेलर काफी प्रॉमिसिंग है, बीजीएम से लेकर एडिटिंग तक फर्स्ट क्लास काम हुआ है। अब हम मुंजिया का मतलब जान लेते हैं। मुंजिया यानी भूत, दरअसल ये एक मराठी शब्द है और देर रात तक घर से बाहर खेलने वाले बच्चों को डराने के लिए अक्सर माँ उन्हें कहती है कि अब घर आ जाओ वरना मुंजिया पीछे आ जाएगा। हालांकि अब मोबाइल फोन और कंप्यूटर पर खेलने वाले बच्चों को इस तरह से डराने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मुंजिया मतलब एक छोटे बच्चे का भूत है। गोवा, कोकण में इस भूत को कई सारी कहानियों में प्रस्तुत किया जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई बच्चा मर जाए तो वो मुंजिया बन जाता है। ये मुंजिया पीपल के पेड़ पर रहता है क्योंकि उसकी बचपन की इच्छाएं अधूरी रह जाती है, इसीलिए वह अपने ही उम्र के बच्चों को ही अपना
शिकार बनाता है। इस फिल्म के दौरान जब फिल्म एक बार फिर मुंजिया का जिक्र हुआ, तब किसी ने बताया कि उस जमाने में गाँव में जब लाइट्स नहीं होती थी, ऐसे में बच्चों कोई जानवर या सांप आकर ना काटे, उन्हें अंधेरे में कोई चोट ना आए, इसलिए उन्हें भूत, मुंजिया या फिर चुड़ैल का डर दिखाया जाता था ताकि वो शाम होने से पहले ही घर आ जाए। मुंजिया के ट्रेलर की शुरुआत में ही जंगल में एक पीपल का पेड़ दिखाया जाता है। इस पेड़ से मुंजिया बाहर निकलता है और मलाइका अरोड़ा का गाना मुन्नी बदनाम हुई इंजॉय करने लगता है। मुन्नी का दीवाना मुंजिया यहाँ पहुंच जाता है जहाँ टीवी पर ये गाना शुरू होता है। मुन्नी बदनाम हुई गाना खत्म होते ही मुंजिया उस घर में एंट्री करता है और उसके बाद घर में मौजूद लोगों को चीखे सुनाई देती है। फिल्म मुंजिया की खास बात यह है कि हिंदी फिल्मों के इतिहास में पहली बार एक सीजीआई किरदार फिल्म में प्रमुख भूमिका में दिखाई देने वाला है। मुंजिया फिल्म की कहानी एक मेल भूत के इर्द गिर्द घूमेगी जो अपने लिए दुल्हन की तलाश में है। इससे पहले ऐसा स्त्री में देखने को मिला था जहां महिला भूत शहर के पुरुषों को अपना शिकार बनाती थी। शर्वरी वाघ के अलावा एक्टर अभय वर्मा भी मुंजिया में नजर आने वाले हैं। गौर करें इस मूवी की रिलीज डेट की तरफ तो ये फिल्म 7 जून 2024 सिनेमाघरों में रिलीज होगी। माना जा रहा है कि स्त्री, भेड़िया और रूही की तरह दिनेश विजान की यह हॉरर कॉमेडी फिल्म भी कमाल दिखाई देती है। बोला आप कितना एक्साइटेड है इस फिल्म के लिए हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंटिल देन की पॉच मुंजिया के ट्रेलर को मिले जबरदस्त रिस्पांस के बाद मेडॉक फिल्म ने अपनी अपकमिंग फिल्म मुंजिया से पहला गाना रिलीज कर दिया है जिसमें खूबसूरत शर्वरी ने बिल्कुल धमाकेदार बीट्स के साथ काम किया। दिलचस्प पोस्टर और टीजर के साथ एक्साइटमेंट बढ़ाते हुए इस तरीके मेकर्स ने ट्रेलर रिलीज किया जिसने लोगों की दिलचस्पी को और बढ़ा दिया। जहां ट्रेलर YouTube पर नंबर वन स्थान पर ट्रेंड कर रहा था, वहीं ट्रेलर ने ऑडियंस को फिल्म के लिए एक्साइटेड कर दिया है और अब फिल्म से पहला गाना मुंजिया के लिए ऑडियंस की उम्मीदों को और भी बढ़ा देगा जो 7 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। शर्वरी अब पहले गाने तरस के साथ सुर्खियों बटोरने में लगी हुई है जिसमें वह एक शानदार हीरोइन जैसी दिख रही है। वह अपने सेक्सी और सिजलिंग मूव से आपके होश उड़ा देंगी। मुंजिया के इस डेब्यू गाने को सचिन जिगर की शानदार जोड़ी ने तैयार किया है। ये जोड़ी अपना बना ले एक जिंदगी तुमसे, फिर और क्या चाहिए, जुग जुग जियो, ढुमकेश्वरी जैसे कई हिट सॉन्ग्स दे चुकी है। अब अपने कोलैबोरेशन के बारे में बात करते हुए इस जोड़ी ने कहा कि मेडॉक फिल्म के साथ ये एक शानदार यात्रा रही, हमने कुछ अनफॉरगेटेबल हिट्स गाने बनाए हैं, लेकिन अब निश्चित रूप से इस एल्बम के साथ और लोगों को ज्यादा मेस्मराइजिंग करने के लिए एक्साइटेड है और हमें उम्मीद है कि ये गाने भी ऑडियंस को पसंद आएंगे। शर्वरी वाघ को पिछली बार फिल्म बंटी और बबली 2 में देखा गया था जो 2021 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अब 4 साल के लंबे अंतराल के बाद शर्वरी सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करने के लिए तैयार है। इन दिनों ये अपनी अपकमिंग फिल्म मुंजिया को लेकर चर्चे में लगातार बनी है। तरस गाने में शर्वरी वाघ का जबरदस्त डांस देखने को मिला। गाने में शर्वरी वाघ को जबरदस्त लटके झटके मारने का जरूर मौका मिला। इस गाने को जैस्मिन सैंडलेस और सचिन जिगर ने किया गया है। इस गाने के लिरिक्स को अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं। फिल्म मुंजिया का गाना तरस रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मुंजिया के ट्रेलर में चिटुकबाड़ी की कहानी दिखाई गई जो एक श्रापित जगह है। इस जगह पर मुंजिया की अस्थियां गड़ी हुई हैं। दरअसल मुंजिया किसी मुन्नी से शादी करना चाहता है लेकिन शादी से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। जहां ये फिल्म आपको डराएगी तो वहीं ये फिल्म आपको हंसाने का काम भी करेगी क्योंकि फिल्म में हॉरर के साथ साथ कॉमेडी का जबरदस्त तड़का आपको देखने को मिलेगा। मुंजिया सिर्फ सनसेट के बाद आता है और वह अपनी आखिरी इच्छा यानी कि मुन्नी से शादी करना चाहता है। मुंजिया में अभय वर्मा, मोना सिंह और एस सत्यराज भी अहम भूमिका में नजर आएंगे जिनकी झलक ट्रेलर में साफ दिखाई दी। फिल्म के ट्रेलर के साथ मेकर्स ने लिखा है कि मुन्नी के लिए मुंजिया जान दे भी सकता है और ले भी सकता है। इस फिल्म का निर्देशन आदित्य सरपोदार ने किया है। दिनेश विजान और अमर कौशिक इस फिल्म के निर्माता है। योगेश चांदीकर ने इसकी कहानी लिखी है। ये फिल्म 7 जून 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।